हम आपको इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल, जिसे दुनिया भर में IMI के नाम से भी जाना जाता है, इसके ग्लोबल लाइव टेलीथॉन में खुशामदीद कहते हैं, जो कि आप बेवक्त लाइव देख सकते हैं हैदर टीवी कनाडा और कायम टीवी कनाडा पर। और आप दुनिया भर में जहां भी मौजूद हो, आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इस टेलीथॉन का हिस्सा बन सकते हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेजेस के जरिए, जिसके एड्रेसेस आपके पास स्क्रीन पर आते रहेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह माइदा में कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। IMI, जिसको जो आजकल कह सकते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया भर में एक लीडिंग NGO है जो इंसानियत की खिदमत कर रही है दुनिया के तमाम कोनों में, इसके वॉलंटियर्स जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, इराक, ईरान, इंग्लैंड, इसके अलावा कनाडा और अमेरिका में भी इसके सारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं। अल्लाह ताला के इसी इरशाद और अहले बैत की तालीमात को आगे लेते हुए दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आज हमारा और आपका साथ अगले 3 घंटे तक रहेगा और इस टेलीथॉन के दौरान हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपको IMI के इन तमाम कामों के बारे में रोशनास कराएं, आपको इसकी जानकारी दें और साथ ही आपसे इल्तिजा करें और गुजारिश करें कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इस कार्य खैर के सफ़र में हमारा साथ दें। और शफात, जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया कि अगले 3 घंटे तक हम और आप साथ रहेंगे, तो हमारी बातें सुन सुनकर कहीं आप बोर ना हो जाएं, इसलिए इस महफिल को 4 चांद लगाने के लिए आज हमने बहुत ही जबरदस्त मेहमानों को अपनी इस महफिल में दावत दी है, जिसकी तफसीलात आपको शिफा बताएंगी। जी शिफा। So over the next 3 hours, we'll hope to highlight IMI work, invite some special guests, IMI leaders, and we'll also get to hear from you, our viewers. There'll be an opportunity to pledge live on air. Among our guests today, we have scholars Maulana Abid Bilgrami, Khanum Tayyaba Bukhari, as well as Maulana Shehshah Naqvi. We have reciters Shuja Rizvi with a tribute to the late Irhan Azmi, Manzur Babali Saab from India, Dr. Fakhar Abbas, as well as a special video message from the Hashmi sisters. We also have a very special guest, celebrated Pakistani test cricketer Zaheer Abbas, the Asian Bradman. So please stay tuned. वाशिफा, क्या आपने ज़बरदस्त गेस्ट लिस्ट बताई कि इतने सारे लोग हैं, तो इनके मौजूदगी में तो मेरे ख्याल में कोई भी अपनी टीवी सेट से आगे नहीं हटेगा। और जैसे कि आपको पता है नाज़रीन, 3 घंटे हम आपके साथ होंगे। आज संडे का दिन है और कोविड की वजह से हम सब लोग अपने घरों में लॉकडाउन हुए हुए हैं, तो आपसे गुजारिश होगी कि संडे के दिन आप अपनी फैमिली के साथ हमारे साथ ज्वाइन करें और इस टेलीथॉन का हिस्सा करें। हम कुछ देर बाद इसमें लाइव कॉल्स का सिलसिला भी ऑन करेंगे, तो अगर आप चाहें तो कनाडा और US से कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि IMI दुनिया के तकरीबन 55 मुख्तलिफ ममालिक में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पर हम लोग मसरूफ अमल हैं, ये आपको बताने के लिए एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। आप वीडियो देखिए, उसके बाद महफिल का सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया भर में 2.7 बिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन आबादियों के लिए सेहत, खुराक और साफ पानी का हुसूल एक जहद मुसलसल है। यहाँ सिसकती इंसानियत हर लम्हा नम आंखें लिए किसी मसीहा की मुंतजर रहती है। हम हैं इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल। हमारी कहानी का आगाज आज से 25 साल कबल हुआ न्यूयॉर्क के एक बेसमेंट से, जहां इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार कुछ दोस्तों ने छोटे से सरमाए लेकिन बहुत बड़े दिल के साथ IMI की बुनियाद रखी। और फिर देखते ही देखते खिदमत का ये कारवां बढ़ता चला गया। आज पाकिस्तान, भारत, इराक, बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत दुनिया भर में इमामिया मेडिक्स के 55 प्रोजेक्ट्स कामयाबी से चल रहे हैं, जहां सैकड़ों IMI रजाकार तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी, कुदरती आफात और जंगजदा इलाकों में परेशान हाल लोगों का दुख बांट रहे हैं। IMI अक़्वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा इदारा है जो रंग नस्ल और मजहबी तफरीक से बालातर होकर दुनिया भर में समाजी और फलाही काम अंजाम दे रहा है। IMI एक नजरिया है जिसकी असास ने इंसानियत पर एतबार को मजबूत किया और दुखी दिलों को यकीन दिलाया कि कोई उनका अपना भी मौजूद है। IMI के अजीम शान और मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं गुज़िश्ता 12 साल से इराक में जारी अरबईन मेडिकल मिशन, जहां दुनिया भर से आए 150 से ज्यादा डॉक्टर्स 1 लाख से ज्यादा ज़ायरीन का मुफ्त इलाज करते हैं। 16 साल से जारी हज मेडिकल मिशन, जिसमें हर साल तकरीबन 50,000 आजमीन का मुफ्त इलाज किया जाता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में आशूरा मेडिकल, सर्जिकल और ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनकार। भारत के कई शहरों में गेट वेल चैरिटेबल क्लिनिक्स का नेटवर्क। अफ्रीका के पसमानदा मुल्क बर्किना फासो में स्कूल, क्लिनिक और साफ पानी के कुओं की फरहमी। इराक में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला। नेक्स्ट स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम न्यू जर्सी, जिससे 36 ममालिक के 700 से ज्यादा डॉक्टर्स मुस्तफीद हुए और आज अमरीका और बरतानिया में कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान, भारत और इराक में 5,000 से ज्यादा तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप्स और कर्ज हसना। पाकिस्तान के कई पसमानदा इलाकों में कायम मुफ्त क्लिनिक्स और एम्बुलेंस सर्विस का नेटवर्क हर रोज इंसानी जाने बचाने में मसरूफ है। सादिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लाहौर और कराची कैंपसेस पर तरक्याती काम तेजी से जारी है, जबकि IMI का इंतहाई फाल खवातीन विंग तालीम, सेहत और दीगर समाजी कामों में मर्द रजाकारों की शाना बशाना खिदमात अंजाम दे रहा है। इसके अलावा बेशुमार शोधा की लवाहकीन, बेवाओं और यतीमों की किफालत भी IMI अपना फरीजा समझकर अदा कर रहा है। ममालिक में काम चल रहे हैं, उनको एक साथ एक वीडियो में दिखाना जरा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश होगी कि अगले 3 घंटे के दौरान इस सिलसिले को जारी रखें और आपको IMI के कामों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है वो मालूमात फराम करें। और जैसे कि शिफा हमने प्रोग्राम में शुरू में डिस्कस किया था कि आज इस महफिल को 4 चांद लगाने के लिए बहुत सारे मेहमानों को हमने अपने स्टूडियो में आज दावत दी हुई है, हमारे प्रोग्राम में साथ होंगे और वो कौन कौन मेहमान है उन पर एक नजर डालते चलें। शिफा, क्या आप एक बार फिर हमें अपडेट करेंगी? Yes, of course. So, inshallah, today in our program we'll have Maulana Abid Bilgrami join us, Maulana Shehshah Naqvi, Khanum Tayyaba Bukhari, as well as reciters Manzur Babali Saab, Dr. Fakhar Abbas, the Hashim sisters, plus a special tribute to the late Dr. Rehan Azmi from Shuja Rizvi, and then a special interview with Zaheer Abbas, the Asian Bradman. जी, तो आपने देखा व्यूवर्स के बहुत सारे मेहमानों को हमने आपके लिए जमा किया है, तो हमारे साथ रहिएगा, आप और हम साथ रहेंगे, ये मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। तो क्या ही बात है, इससे बेहतर मेरे ख्याल में संडे नहीं गुजारा जा सकता। तो शिफा, हमने अपने व्यूवर्स को बताया कि माजी में IMI क्या काम करता रहा है, अब हाल और मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, ये हम जानेंगे कुछ IMI की ज़बानी और आपको लिए चलते हैं भारत के शहर मुंबई, जहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं IMI के ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर मुबारक नकवी साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो डॉक्टर साहब पहले तो बताइएगा कि हम तो यहाँ पर टोरंटो में मौजूद हैं, आप मुंबई में हैं, रात का वक्त है, आई एम सॉरी आपको इतनी लेट नाइट डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कुछ बताइएगा कि हम इस वक्त इस महफिल को सजा के रखे हैं अपने ऑडियंस के लिए और ये जानना चाह रहे हैं कि IMI के क्या इनिशिएटिव्स आजकल दुनिया भर में चल रहे हैं। तो आप ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, आपकी ज़बानी हम सुनना चाहेंगे, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशर साहब। 11:30-12 ज़रूर बज रहे हैं, मगर अभी शाम जवान है और जो आपने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बताई है उससे तो लगता नहीं है कि अब नींद आने वाली है। सो थैंक यू सो मच। वेरी क्विकली, as learnt, IMI was established more than 25 years ago. It started as a grassroots initiative with some volunteers and has grown into a large organization that spans across almost all the continents and impacts hundreds of thousands of lives across the world. Even during the recent COVID times, we really got to see the real impact and the length and breadth of this organization. At one end, the academic progress of IMI was visible in the form of guidelines, in the form of the practices, the do's and don'ts during such trying times. And on the other hand, IMI volunteers on the ground were actually going in the nook and corners of countries like India, Pakistan, many other countries, and they were helping patients, they were helping people who needed even something as simple as rations to food supplies to go through the days. Because of the lockdowns, the poor were really, really impacted during this time. So this is my 21st year as IMI volunteer, and we have really, really seen how IMI has grown from a small effort to such a large organization. Talking about the future, Ashur साहब, जैसा आपने फरमाया अभी, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जो IMI ने अभी तक किया है उसको हम उसी अच्छाई के साथ बरकरार रखें, जिसमें सबसे अहम है डॉक्टर्स की नेटवर्किंग, डॉक्टर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनका एजुकेशन. हेल्थ केयर इज द कोर फंक्शन ऑफ इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल एंड दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू कीप फोकसिंग ऑन. इसके साथ साथ जाहिर है हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कई अफ्रीकन ममालिक में, इवन यूएस, यूके वगैरह में, वो प्रोजेक्ट्स न सिर्फ कामयाबी से चलते रहें बल्कि और नए प्रोजेक्ट्स भी उनमें शामिल किए जाएं, हम अपनी रीच बढ़ाएं और जिन कंट्रीज और जिन सिटीज में हम हैं उससे ज्यादा हम आगे बढ़ें. उसके बाद हम चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल हेल्प हमारे डॉक्टर्स देते हैं मरीजों को, नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी पेशेंट्स बट फॉर हेल्दी पीपल हुम वी वांट to continue to remain healthy, in which, as you had rightly pointed out in the video a little while ago, the women's wing is playing a stellar role. So it's not just important to make the people who are unwell healthy, but it's also extremely important to keep all of us healthy. Prevention is the best cure, as we often say. Last but not the least, one of the core activities of IMI has been, in the last few months and about a year, has been the establishment of the IMI's Dream Project in New Jersey. जैसा हम सब लोग जानते हैं और इस प्रोग्राम में आगे हम लोग थोड़ा सा और भी हम लोगों को मालूमात बढ़ेगी कि ये IMI का ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या. न्यू जर्सी में मुकीम ये प्रोजेक्ट IMI की बहुत सारी जो हम लोगों की दिल में तमन्नाएं हैं बहुत सालों से, वो हम लोग पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया है, जिसमें न सिर्फ इमामिया मेडिक्स का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स होंगे बल्कि प्रोजेक्ट्स जो हेल्थ केयर रिलेटेड हैं, जो हेल्थ ऑफ द एल्डरली रिलेटेड हैं, जो विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड हैं, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी और बहुत ही यूनिक नई चीज लेके अगले 3 घंटे में यही बातें हम करेंगे. ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में लोग बताएंगे. जरा ये बताइएगा कि जो आपने बात बताई कि 55 ममालिक में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं आईएमआई के और इतना सारा काम है, डॉक्टर साहब ये सब मैनेज कैसे होता है? ये सब सिर्फ वॉलंटियर्स के जरिए मैनेज होता है. हम इमामिया मेडिक्स के वॉलंटियर्स दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं और सब लोग फी सबीलिल्लाह कौम की खिदमत में लगे हुए हैं. वॉलंटियर्स ही हमारी जान है और उन्हीं के जरिए सारा काम अंजाम पाता है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम आपको जहमत देते रहेंगे और इसी तरह कार खैर के सिलसिले को आप जारी रखिएगा। तो शिफा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जब मुझे पहली बार आईएमआई का इंट्रोडक्शन मिला और जैसे हमने वीडियो में भी देखा कि इसका आगाज़ एक बेसमेंट से हुआ, तो व्यूअर्स आप भी जानते हो, मैं भी हमेशा सुनता था, बड़े फैसिनेटिंग स्टोरीज होती थी कि जनाब आप एप्पल को ले लें, आप इसको दूसरी IT ऑर्गेनाइजेशन को ले लें कि उनका आगाज़ एक बेसमेंट से होता था और फिर वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती थी। और बड़े फ़ख्र से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने बैकयार्ड में यानी हमारी अपनी कम्युनिटी में ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि हमने बेसमेंट से स्टार्ट किया और आज दुनिया भर में हम फैल चुके हैं। जी शिफा, क्या कहेंगी? It's true. Beginning as a grassroots organization, it's become a global movement. We've spanned 5 continents, 17 countries, countless cities, and we've impacted millions. So we have chapters around the globe and 20 right here in the United States. We work on education, professional development, humanitarian aid, advocacy, and of course health and medical services as a medical professional body. To introduce IMI here in the United States, we have the honor of introducing IMI US President डॉक्टर फरहीन। जी डॉक्टर फरहीन रिजवी भी हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगी, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप न्यू जर्सी में मौजूद हैं, पहले तो बताइए कैसी तबीयत है आपकी, और लॉकडाउन में हम लोग तो घरों में कैद हैं, सिर्फ कभी कभारी एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलना होता है, न्यू जर्सी में क्या सूरत हाल है, बताएंगी कुछ? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें मौका देने का अपने TV चैनल पे, और हम होप कर रहे हैं कि आपके थ्रू ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, और न्यू जर्सी में इस वक्त शदीद स्नो हो रही है, एंड होपिंग के बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए ये प्रोग्राम जरूर देख रहे होंगे, एंड वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड देम अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट टुडे इन एडिशन टू एजुकेटिंग एंड लेटिंग यू नो अबाउट दिस ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ आवर्स व्हिच इज अवर बिगेस्ट थिंग फॉर नाउ। तो लोगों से बात कर रहे हैं और अपने ऑडियंस को एजुकेट भी करना चाह रहे हैं कि IMI जो इस वक्त दुनिया की लीडिंग NGOs में से है, हम इसका मुकाबला किसी भी दुनिया की बड़ी डोनर ऑर्गेनाइजेशन या रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं। आपसे पहले डॉक्टर मुबारक रिजवी भी आए थे, उन्होंने बताया आप US की प्रेसिडेंट हैं, तो क्या हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करेंगी कि यूनाइटेड स्टेट्स में IMI क्या काम कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स में IMI मोर देन 2 डेकेड्स से मौजूद है, और हमारे चैप्टर्स हैं अबाउट 20 स्टेट्स में, और हम इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड वी आर वर्किंग मोर एंड मोर टू मेक एंड हैव न्यू चैप्टर्स, रिक्रूट मोर मेंबर्स। हमने विमेंस विंग खोलने का एक नया वेंचर किया है जो न्यू जर्सी में कामयाबी के साथ टेक ऑफ कर गया है, और इसके साथ साथ हम डिफरेंट स्टेट्स में इसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं, और इस आइडिया के अलावा ऑन गोइंग हमारी जो खिदमात हैं वो कम्युनिटी के लिए, नॉट जस्ट फॉर आवर मोमिनीन कम्युनिटी, वी आर ओपन टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं, और हमारा मैसेज ऑफ पीस जो है। इम्पॉर्टेंट बात रेस किया कि जब IMI का नाम आता है तो जहनों में एक कुछ ख्याल आता है, और बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि शायद ये कुछ मखसूस लोगों की ही खिदमत करते हैं, तो क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं वही वजाहत करना चाह रही थी कि ये यकीनन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मोमिनीन ने इसकी इब्तिदा की है, लेकिन जैसा कि हमारे मौला का और हमारे तमाम इमामों का इरशाद है कि हमें अपने कैरेक्टर से और अपने जो अमाल हैं उसके जरिए से अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को न सिर्फ एजुकेट करना बल्कि उनकी खिदमत करना और उन तक ये पैगाम पहुंचाना कि हम एक पीसफुल लोग हैं और हम किन इमाम के मानने वाले हैं, ये हम सब इंडिविजुअल और IMI का कलेक्टिव गोल है। तो हम अपनी तमाम कम्युनिटी के लिए, अपनी नेबरहुड्स के लिए हम एजुकेशनल सेमिनार्स, ब्लड ड्राइव्स और बहुत सारे इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद करते आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं। मुझे आवाज नहीं आई। जी मैं कह रहा था कि जितने आप लोग फलाही काम कर रहे हैं इसमें तो काफी पैसों और कहना चाहिए कि डॉलर्स की भी जरूरत पड़ती होगी। एब्सोल्युटली, और इसके लिए ये है कि तमाम जो मोमिनीन हैं उनके कुलूब को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा पुरनूर किया है, और उनको जो है वो ना सिर्फ ये कि एक ज़कात और खुम्स के जरिए से, बल्कि हमारे कामों को देखते हुए, क्योंकि हम मोर देन 2.5 डेकेड से मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और अब ग्लोबल हो गए हैं। हमारी वेबसाइट पे जो हमारे काम हैं वो मौजूद हैं, इतने ज्यादा हैं कि देयर टू मेनी टू लिस्ट इन दिस शॉर्ट टाइम दैट आई हैव टुडे। आप लोगों को सबको मैं इंकरेज करती हूँ कि आप IMI की वेबसाइट पे जाके देखें कि फ्रॉम पाकिस्तान, हजारा, कश्मीर, अफ्रीका, अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया, हर तरफ ये फलाही काम है और यूनाइटेड स्टेट्स में भी हम बहुत ज्यादा इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। और इसके लिए आप तमाम जो लोग इस वक्त हमारे व्यूअर्स हैं, उन जैसे अफराद के ताउन की हमें बेइंतहा ऑन गोइंग सपोर्ट की जरूरत है। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहीन। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट IMI इज अंडरटेकिंग इज द IMI Dream Project, an intentional community that we're basing out of Robbinsville, New Jersey. It's on 30 acres of land that we will continuously talk about in the coming time. जी शिफा, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं ये ड्रीम प्रोजेक्ट की बात बार-बार सुन रहा हूँ। तो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? IMI ने अब तक का सफर बड़ा खूबसूरत तय किया है, मुस्तकबिल में IMI के ख्वाब क्या हैं, इस पर इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको एक छोटी सी हमने वीडियो बनाई है, मुलाहिजा कीजिए। इमामिया मेडिक्स का नजरिया सीखने और सिखाने से जुड़ा है, इसीलिए बहुत जल्द इमामिया टेलीविजन नेटवर्क को लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर न सिर्फ साइंसी और मजहबी बल्कि जदीद लाइफस्टाइल, तालीम और सेहत और नौजवानों से मुतालिक खुसूसी नशरियात पेश की जाएंगी। लेकिन इन ख्वाबों की तकमील के लिए हमें आपकी जरूरत है। IMI को इस साल के आखिर तक अपने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट की जमीन की पेमेंट के लिए $1.8 मिलियन की जरूरत है, जिसे सिर्फ आपका ताउन ही पूरा कर सकता है। 25 साल का ये तवील, कठिन और सब्र आजमा सफर हमने रब्बे जुल जलाल पर यकीन और आपकी मदद से तय किया है। हमेशा की तरह हमें हर कदम पर आपकी दुआओं, एतमाद और अतियात के सहारों की जरूरत रहेगी, क्योंकि हम और आप मिलकर ही इस दुनिया को बदल सकते हैं। याद रखें, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपके ताउन का शुक्रिया। आपने देखा कि IMI का ख्वाब क्या है, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट बनाने की IMI ख्वाहिश रखता है जो कि पूरी कम्युनिटी के लोगों को सर्व करे। उसमें चीज़ें क्या होंगी वो आपने देख लिया। IMI ने अब तक का सफर आप ही के ताउन से तय किया है और आगे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए IMI को आप जैसे ही जनरस डोनर्स की जरूरत होगी। शिफा, हम अपने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हों। अगर आप फोन कॉल के जरिए कैनेडा और US से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर स्प्लैश होते रहेंगे। प्लीज हमें कॉल कीजिएगा, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी होगी। जी शिफा। So definitely please call in our toll-free number. There are representatives that are available to speak to you about how to donate, how to get involved in IMI. We also have call-in studio numbers that we'll put up on the screen and have you all call in and take some live calls with our guests. तो व्यूअर्स, जैसे हमने कहा था कि 3 घंटे का सिलसिला है, तवील साथ है हमारा और आपका, तो हमने कोशिश की कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल करते जाएं जिससे आपका भी दिल लगा रहे। आई एम श्योर बहुत सारे आपसे लोग हैं, आप में से जो कि शेर व शायरी के भी दिलदादा हैं। शिफा भी मौजूद है। शिफा, कुछ शेर व शायरी से आपको दिलचस्पी है? बाबा को है। अच्छा, आपके बाबा को दिलचस्पी है, तो बाबा के लिए हम शेर व शायरी के सिलसिले को शामिल करते हैं। एक बहुत ही मशहूर शायर हमने आज अपने प्रोग्राम में मधु किए हैं, इनका नाम ही इनकी पहचान के लिए काफी है। मैं पहले इनका एक शेर पढ़ूंगा इनके इंट्रोडक्शन से पहले। वो शेर बड़ा खूबसूरत है शिफा, मुझे बहुत पसंद है और शेर कुछ ऐसा है कि मिलाओ हाथ बड़ी एहतियात से मंजर, मिलाओ हाथ बड़ी एहतियात से मंजर, समाज में तो दगा ही दगा है चारों तरफ। जी आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मशहूर शायर मंजर भबाली की। आपने IMI के कामों को बहुत करीब से देखा है, मुशाहिदा किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहूँगा कि जहां तक मैंने IMI को समझा है, IMI के बारे में जाना है और बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं एक शायर हूँ और शायर की आंखों में कुदरत ने डिजिटल कैमरा लगा रखा है, वह हर लम्हे की तस्वीर खींचता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के 10 NGO जो फलाई NGO हैं, उनमें IMI भी हमारी शामिल है। और अल्लाह करम है जो ये लोग काम कर रहे हैं वो दूसरी तंजीमें दूर तक भी नज़र नहीं आती उस अंदाज से काम करते हुए। और इसमें जो हमारे मोमिनीन की का ताउन है, जो आप थोड़ा बहुत ताउन देते हैं जिससे हमारी दुखी इंसानियत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि यही बहुत बड़ी बात है कि हम किसी न किसी तरीके से इंसानों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। और अल्लाह ने आप लोगों को लायक बनाया है कि आप दूसरों की मदद करें और इंसानों को ज़िंदगी दें। जी मतलब भाई मैं कह रहा हूँ कुछ आज हमारे ऑडियंस को आप सुनाना चाहेंगे? जी जी मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मैं आया इसीलिए हूँ कि मुझे हुक्म मिला है आप तमाम हजरात का और ख़ासतौर से डॉक्टर वजी साहब का, जिनका मैं बहुत ही मशहूर और हमेशा एहसानमंद रहा हूँ। वो जितना जो काम कर रहे हैं IMI के ज़रिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उनके हिस्से में ये तौफीक अता फरमाई है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह तारा ज़मीन पे आपको कुछ साल बाद नज़र आएगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ताजमहल है और न्यू जर्सी में IMI का एक मरकज़ है जिस पर हम फख्र कर सकते हैं। तो मैं एक नज़म पेश करता हूँ जो मैंने एक तराने की शक्ल में IMI के लिए लिखा था 2 साल पहले। उसके 2 बंद पेश करके फिर मैं एक हमद पेश करूँगा और फिर जो आप हुक्म करेंगे इंशाल्लाह वो भी खिदमत। हमदर्द हमारा मजहब है, हम IMI के खादिम हैं, हर एक दुखी के साथ हम IMI के खादिम हैं। हमदर्द हमारा मजहब है, हम IMI के खादिम हैं, दुखियार जहाँ पर होते हैं हम लोग वहाँ पर होते हैं, उम्मीद को रोशन करते हैं हम जख्म को गुलशन करते हैं। हमदर्दी हमारा मजहब है, हम IMI के खादिम हैं। दूसरा बंद देखिए। तूफान अगर आ जाए कहीं, सैलाब से उजड़े घर ये जमीन, खिदमत के लिए हम जाते हैं, हर आफत में काम आते हैं। हमदर्दी हमारा मजहब है, हम IMI के खादिम हैं, हम फूल खुशी के बांटते हैं, हम रंग हंसी के बांटते हैं, हर आँख के आंसू पीते हैं, हम घाव दिलों के सीते हैं। हमदर्दी हमारा मजहब है, हम IMI के खादिम हैं, हम IMI के दीवाने, उजड़ों को सजाने वाले हैं, बे उजड़ों को बसाने वाले हैं, बेबस की हिफाजत करते हैं, बेलों से खिदमत करते हैं। हमदर्दी हमारा मजहब है, हम IMI के खादिम हैं। अल्लाह ने ये तोहफा बख्शा, खिदमत का हमें जज्बा बख्शा, मौला का रहम है हम सब पर, ये खास करम है हम सब पर। हमदर्दी हमारा मजहब है, हम IMI के खादिम हैं। ये 2 साल पहले मैंने एक तराना लिखा था जो शायद YouTube पर है IMI के, वो और खूबसूरत अंदाज के आर्टिस्टों ने गाया है। और मैंने तो कोशिश की थी लफ्जों के जरिए एक खूबसूरत सा एहसास। मगर आपने बहुत ज़बरदस्त कलाम पढ़ा और मुझे आपसे ऐसे बातें करने का तो और आपसे सुनने का बहुत जी चाहता है, लेकिन माजरत के दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो व्यूवर्स, ये थे मंजर भोपाली, शायर इंडिया से, जिन्होंने IMI के लिए तराना भी लिखा और आपने उसको गोशगुजार किया। और जैसे कि हम कह रहे थे कि इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को भी शामिल करना चाहेंगे, तो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला ओपन है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। अगर आप कॉल इन करके हमारे साथ शामिल होंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहें तो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बताएंगे। और अगर कार खैर के सफर में आप हमारा साथ देना चाहें, अपने अतियात के जरिए, अपनी नेक ख्वाहिशात के जरिए, अपनी दुआओं के जरिए, तो वो भी हमारे लिए बायसे फख्र होगा। जी शिफा। So IMI was created 3 decades ago as a medical professional body. As one of its key tenets, we hold professional development and education in high regard. IMI has provided for thousands of students through scholarships and bursaries, Qarz-e-Hasna, sponsored scores of schools and institutions, and is continuing to invest in our community's future. For the thousands of hours of trainings delivered and webinars and all of that, to speak more on IMI's commitment to education, we have Dr. Ashfaq Qayumi, the chair of IMI's Academic Council, who will be joining us. He was a former global president, IMI board of directors. He is now professor and chair of cardiology at Emory in Atlanta. जी, Ashfaq Qayumi साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉलर आ रहे हैं। अगर शिफा क्या कहते हैं, कॉलर्स को लिया जाए, तो पहले कॉलर हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बात कर रहे हैं? हेलो, अगर आप अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर सकें प्लीज, तो हमें आपकी आवाज क्लियर न सुनाई देगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नईम बुखारी अर्ज कर रहा हूँ जी। मंजर उपाली साहब ने कराने के 2 बंद पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खूबसूरत और बड़े बहुत जबरदस्त थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं 2 बंद के बाद आपको हम सुनाऊंगा। हाँ जी, हाँ, आपने उनका मुंह बंद कर दिया। आनी सर, देखिए हमारे पास बहुत सारे मेहमान थे, वक्त है तो उन्हें जी हम कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया था सुना दें। जी, जैसे मैंने अर्ज किया था कि बहुत सारे गेस्ट हमारे पास हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सबको एकोमोडेट करनी है, तो माजरत पहले से मैं चाहूंगा कि दामन वक्त में गुंजाइश थोड़ी कम थी। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही मैंने कहना था कि उन्होंने कहा था और आपने उनको। चले, बहुत शुक्रिया। मंजर अंकल इज अ ओल्ड फ्रेंड ऑफ IMI. He is presented to many of our events, including the Silver Jubilee festivities of 2019. So you know, inshallah, we'll continue to have these shows as well. Invite Manzur Babali साहब। चले, शिफा, अरशद क़यूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि IMI की एजुकेशन का जो बोर्ड है उसके हेड हैं। उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि एजुकेशन फ्रंट पे IMI क्या काम कर रही है। अरशद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। अरशद भाई, हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं और इल्म हासिल करने का तो पहले दिन से हमें सबक दिया गया है। IMI को आप व्यूअर्स को अगर बताना चाहेंगे कि एजुकेशन फ्रंट पे क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं, तो प्लीज़ चेयर इज़ योर्स। Sure, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is a great privilege and honor for me to speak to you today, in particular about the Academic Council's mission as one of the goals of IMI. As you're already aware, IMI has multiple projects and activities that it is engaged with on almost on a daily basis. The 4 major core activities, as you have already heard, include provision of health care to underserved population at home and abroad. Secondly, to provide humanitarian help. Thirdly, advocacy for rights of human beings, particularly those involved in healthcare activities. And fourthly, its academic mission. So I'm going to talk to you briefly about the academic activities of IMI that it has been involved in almost since the day of its inception, some 25 years ago. A core part of academic mission activities is the conduct of international conferences that occur at biannual intervals with the membership of IMI around the globe, where we meet in one location and exchange scientific information and educate each other and obtain our continuing medical education credits. In addition to which, we are now providing a forum for young people of our community to gather for youth leadership training at the same conferences and to establish networking opportunities for them, so that these conferences are now a hub, not only for professionals, but also for guiding our next generation in their careers and even beyond healthcare fields. So IMI Academic Council activities also encompass multiple missions in other than the educational conferences, both physically and through electronic media, that are provided in order to educate healthcare professionals around the world by experts who are part of the IMI family. Mm-hmm. In addition to that, we are committed to providing healthcare education and to the public and the entire community that helps improve understanding of both health and disease and brings preventive measures to the daily lives of our community members. These activities are through health fairs, which are frequently held around the world in our Islamic centers. We provide materials, brochures, and instructions, mm-hmm. And so on for these activities. Of course, in the last year or so, as you know, the world has been facing the scourge of the COVID-19 pandemic, and we have been busy providing education and series of seminars for healthcare workers and to the general public on this subject as well, and most recently about the vaccine. Also to fight the disinformation that is widespread on this subject in the social media, for example. And in addition to these activities that are focused on education and healthcare for the professional communities as well as the public, we have launched a journal called the Journal of Medics International, or JMI, where we invite everyone listening, so that they can send their articles for publication. You can find information about this on the IMI website. There is a regular news wire that has been started that provides information regarding healthcare topics and scientific developments that are relevant to both the healthcare community as well as the general public. A dream of IMI ever since education pe khidmat to bahut hain, but there are thousands of deserving students out there who cannot afford education, especially when it comes to medical education. To kya scholarship, bursaries, is taraf bhi hum tawajjuh de rahe hain? Yeah, we have some help that we are providing for some students, especially in underserved communities. We are now hoping to launch a university program called Sadiq International University, and I'd like to give a shout out to Dr. Shafi Zaidi, who has been working on this tirelessly for a number of years and is chancellor of the Sadiq International University, that has started as an online effort currently and is very active, and will soon have a campus in Karachi, the first one, and perhaps in many other countries, inshallah, in the future. So there are many ways in which we are trying to help education around the world with these. Based in Pakistan, so can you just briefly touch on the projects that you're doing in Pakistan education-wise? So education-wise, the Pakistan chapter has been very active. They do residency guidance, for example, for students who are finishing their medical education, and how they can obtain this. We have a variety of different educational activities for even younger people who are perhaps trying to enter into healthcare fields. Mm-hmm. And then, of course, ultimately, we will have a physical campus of SIU, or Sadiq International University, hopefully taking off in Karachi. Rashid bhai, bahut shukriya for updating us about all this. Obviously, there's a lot going on the education sector, and we cannot obviously summarize everything in a short span of time. But thank you very much for talking to us and updating us on the education front. So, ye the viewers hamare saath अरशद क़यूमी साहब जो एजुकेशन फ्रंट पे हमसे बातें करें, तो आगे हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, मौलाना आबिद बिलग्रामी, जो कि चंद लम्हात में हमारे साथ होंगे और उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी कुछ रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे। लेकिन शफा, एजुकेशन पे काम करना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। डेफिनेटली, थ्रू the 25 years, IMI has been a proponent of education, whether it's in Burkina Faso, Tanzania, Pakistan, India, Iraq. There's scores and scores of students that have benefited from IMI, but all of this cannot be done without your help. This is why, our donation tickers are going on the bottom. Please call in, share with us. Also, please feel free to pledge. This is what we're here for today, is inshallah making our dreams come true and the dreams of countless students come true. जी हाँ, जैसे कि शिफा ने नाज़रीन कहा, आबिद बिलग्रामी साहब हमारे पास चंद लम्हात में हमारे साथ होंगे, और जैसे कि शिफा ने कहा और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हमने जो जो काम किया IMI ने गुज़िश्ता 25 साल में, वो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि हमारा काम इस लायक है, इस वर्थ है, तो प्लीज़ इस कार्य खैर में अपने अतियात, अपनी दुआओं के जरिए हमें हमारे साथ शामिल हों। लाइव कॉल्स ओपन है, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, हमें आपकी कॉल्स लेकर खुशी होगी। और साथ ही एक कॉल आ रही है, मैं कॉलर को लेना चाहूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? जी मैं जाफरी। जी जाफरी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? I would like to donate. Oh wonderful, thank you so much. How much would you like to donate today if you were comfortable letting us know? Walaikum Shifaa. Walaikum Salaam. Yeah, sure. So Raza, before you donate, just for everyone who is listening, what inspires you to donate for IMI? To be honest with you, I love the work that you guys are doing. I haven't had a chance to really look into it, but I just went on Ms. Shifaa's Facebook with my wife and we were reviewing it. Definitely inspiring work. We support it 100%. I volunteer with other charities as well, but this is much needed. So we support this. We want other young people, young professionals to do it as well. And if there's anything more we could do, please let us know. Chale Raza sahab, Jafi sahab बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और हमारे volunteers they will get in touch with you and you can deposit your donations with them. Thank you very much for calling. तो viewers calls का सिलसिला जारी है और एक और caller शायद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन वो वेट करना उनको अच्छा नहीं लगा, वो चले गए। तो सिलसिला जारी है, आप कॉल्स करेंगे तो हमें आपकी कॉल्स लेने में खुशी महसूस होगी। आबिद बिलग्रामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से, हम उनसे बात करते चलें। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब आपके बड़ा शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप इंडिया में इस वक्त काफ़ी रात हो गई है, लेकिन हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी मजालिस को, आपके जो नसीहतें हैं उन पर बहुत अमल भी करते हैं। बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। IMI के हमने आज ये महफिल सजाई है, आपने भी इसके काम देखे होंगे, आप इससे वाकिफ़ भी होंगे, क्या कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के कामों के हवाले से? सर बहुत अच्छा काम कर रहे, जो इंसानियत के लिए काम करना चाहिए वो कर रहे। वाह, हम रियली मतलब मुझे भी बड़ी खुशी हो रही इस IMI के साथ इस वक्त रहने से, इसलिए कि इन लोगों ने जो काम किया, जो मासूमीन की ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को ये लोग पूरा कर, ये गैबत इमाम में अपनी जिम्मेदारी समझ के इंसानियत के लिए काम करना ये सबसे बड़ी बात है। अब मौलाना साहब ये बताइएगा कि इंसानियत की खिदमत का दर्स हमें अहले बैत की तरफ से बहुत ज़्यादा मिला है, और जिस मौके पे भी हमने जिस इमाम का भी कॉल पढ़ा उसमें ही, और मौलाना साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कॉल आ रही, मैं ले सकता हूँ? जी बिस्मिल्लाह। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी आप ऑन एयर हैं, आप कौन सा बात कर रहे हैं? about the program on Hayder TV. Yes, you're live, you're on air. Assalamu alaikum. I'm calling just to want to donate and to say I'm happy and I'm really glad the work you guys are doing and it was a great job and a lot of people are hearing about it and I learned a lot about it from Shehshah Abbas and she's amazing and she's really getting the message out and we appreciate her being such a good person and really, you know, doing justice to the team, for the young ladies, and we don't want to donate and help out, and I appreciate you guys. Thank you so much, and inshallah we'll take more and more callers coming forward, and thank you so much for your time. And बहुत शुक्रिया। आबिद बिलग्रामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मौलाना साहब माजरत चाहता हूँ कि कॉल आ गई बीच में तो मुझे लेनी पड़ी, आप कुछ बता सकते हैं प्लीज? आप लेते रहें, कोई मुश्किल नहीं। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आजकल के आप ज़माने में सोशल मीडिया का दौर है, आप जब भी अपनी फेसबुक खोलें या कोई व्हाट्सएप खोलें तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अपील आती है कि उनके नेक कामों में उनका साथ दें। तो ज़रा ये रहनुमाई फरमाइएगा कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे हार्ड एंड डॉलर्स को डिजर्व करती है? नहीं देखिए, आपको पॉजिटिव रहना है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से हम नहीं बोल सकते अनलेस यू नो द पीपल। अगर आपको पता है तो देन यू कैन से, अदरवाइज जो भी आ रहा, अगर आप समझते कि ये लोग सही जेन्युइनली काम कर रहे तो हर आदमी के लिए शरीक होना। मेरा तो एक ही मोटो होता कि अगर कोई तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा तो उसने इमाम का इशारे के उसने अपनी इज्जत को अपने हाथों पे रख दिया। अगर आप $1000 नहीं दे सकते, $10 दे सकते, $100 दे सकते, लेकिन वी डोंट नो कि सामने वाला क्या। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते और अगर आ रहे और इमाम का नाम ले रहे, अहले बैत का नाम ले रहे तो आप इसमें हेल्प करने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि आप ये मत समझो कि आप हेल्प कर रहे हैं, ये तो शुक्र अदा करो कि यू आर गेटिंग चांस टू हेल्प सम। बहुत खूबसूरत बात आपने की उमर साहब, ये भी ज़रा रहनुमाई करते चलिए कि हमारे यहाँ वैसे तो बहुत काम होता है, हम लोगों को खाने भी बहुत खिलाते हैं, बाकी काम भी बहुत करते हैं, लेकिन IMI और चंद और ऑर्गेनाइजेशंस की एक खासियत ये है कि तालीम और तिब की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो इनकी है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये बेहतरीन काम है, मतलब पहली चीज़ मैं एजुकेशन पर बात करता हूँ। एजुकेशन के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इल्म को हासिल करने के लिए अगर वो इल्म किसी मुनाफिक के पास चला जाए तो जाओ और ले लो, ये तुम्हारी खोई हुई मीरास है जो चले गए। मौलाना साहब, मैं आपको जरा सा माजरत खां हूं कि आपको मुझे रोकना पड़ेगा। आबिद सैयद साहब हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। जी आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम हासिल रजा है, मैं से बात कर रहा हूं। आज जी फरमाइए। प्रोग्राम है हमारी काम कर रही है। सवाल अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम लोग कब तक दूसरों के इन्वेंशन पे उसको ऑपरेट करते रहेंगे, यूजर बने रहेंगे? क्या IMI के पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें दुनिया की जो आज के जो भी काम हो रहा है साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जी प्रोग्राम क्रिएट करें, हम सिर्फ यूजर ना रह जाए, ऑपरेटर ना रह जाए, हम क्रिएटर बने, क्योंकि हम उस क्रिएटर मानने वाले हैं। उसने हमें कहा है कि वो चाहता है कि तो वो कुछ बेहतर करे इसे कि लोग आपकी तरफ देखें, ना कि आप दूसरों की तरफ देखें। याशिर साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया और मैं आपका सवाल जो IMI के दीगर लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे उनसे ज़रूर शेयर करूंगा। आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलग्रामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, और ये साहब ने हाशिम साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रेस की कि सर हमारा तुर्रा इम्तियाज़ था कि साइंटिफिक रिसर्च में मुसलमान बहुत आगे रहे हैं, गोल्डन एरा था, लेकिन सर फिर वो गोल्डन एरा जो है वो कहीं गायब हो गया। इसलिए गायब हो गया कि इल्म से पीछे हो गए। एजुकेशन बिल्कुल नहीं, और कोई कम्युनिटी अपलिफ्ट नहीं हो सकती जब तक उसमें एजुकेशन ना आए। एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट कि अगर, इसलिए कि इमाम अली को जहालतों में समझ नहीं सकते, इमाम अली को इल्म से समझ सकते। करबला को समझना है तो इल्म से समझो, इमाम अली के किरदार को समझना है तो इल्म से समझो। आज जो हम पीछे हो गए, इसका रीजन ये कि हमारे पास हमारा यूथ एजुकेशन, मैं तो अमेरिका में भी बोलता हूँ कि खाली BS करके मत बैठो भाई, जब तक तुम प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं आएंगे जब तक तुम कोई काम नहीं कर सकते। तुमको आना है प्रोफेशनल कोर्सेज में और आकर दुनिया को बताना है। अब जो IMI काम कर रही है एजुकेशन के लिए, हम सो हैप्पी, हम सो हैप्पी। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं ये पूरी टीम को कि आप देखो कि इसमें सारी दुनिया के डॉक्टर्स हैं, पूरे प्रोफेशनल्स हैं, पूरे प्रोफेशनल जिनके पास एक मिनट का भी टाइम नहीं है अमेरिका में, कोई डॉक्टर को टाइम ही नहीं रहता। उसके बाद इफ दे आर स्पेयरिंग टाइम, कम्युनिटी के लिए टाइम स्पेयर कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। इनका एक लम्हा जो कीमती है, एक लम्हा डॉलर्स है पूरे, उसको छोड़ के ये लोग ये हायर ओकल्टेशन में अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। ये लोग एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते चलें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मुस्तनसिर हुसैन राज बोल रहा हूँ, मुस्तनसिर राज। जी मुस्तनसिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं काफी अरसे से, पिछले 5-7 साल से अटेंड कर रहा हूँ IMI कॉन्फ्रेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड माई सेल्फ एंड डॉक्टर सकीना राज, वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, वी वुड लाइक टू डोनेट इन दिस कार्य केयर। So I will appreciate if some Canadian representative approach us or give us the connection so we can complete that. Of course, thank you so much. And Dr. Sakina Raj is such a big support to IMI Canada. What we do have is, these are the live calls. If you would like to call our toll-free number, we have IMI representatives live who will help you donate. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और डोनेशन का, thank you very much. मौलाना साहब माजरत, मैं बार-बार बहुत माजरत कर रहा हूँ कि मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है लाइव कॉल्स की वजह से। प्लीज आप कुछ फरमा रहे थे। मैं यही कह रहा था कि एजुकेशन के लिए जो IMI काम कर रहा है, इतने प्रोफेशनल्स हैं, पूरे के डॉक्टर्स हैं, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये लोग कौन है, कि जिनके पास एक मिनट का टाइम नहीं। उसके बाद अगर ये लोग जिम्मेदारी लेके काम करें, तो मैं डोनर्स को बोल रहा हूँ, व्यूवर्स को बोल रहा हूँ कि जो सुन रहे इस वक्त, कि आप लोग खुद आगे बढ़ो। आप तो जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह कि आपका काम IMI कर रही है, मैं पैसे दे रहा, मैं कोई बिग डील नहीं कर रहा। अगर मैं डोनेट कर रहा तो बिग डील नहीं कर रहा। ये लोग टाइम जस्ट स्पेयर कर रहे हैं ना। और पूरी दुनिया में कोई एक जगह नहीं, खाली कनाडा में नहीं या खाली अमेरिका में नहीं कर रहे, पूरी अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो डोनेशन दे रहा तो वो तो खुद आगे बढ़े। अब 500,000 का डोनेशन मत दो। इनका प्रोजेक्ट है ड्रीम प्रोजेक्ट। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज ही के ये कॉन्फ्रेंस में, आज ही ये इवेंट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1.5 मिलियन जो भी 2.5 मिलियन जो भी इनका टारगेट है उसको देना चाहिए। बार बार लोगों के सामने आके मांगना अच्छी बात नहीं। इसी और ये लोग अपने लिए नहीं मांग रहे। एंड यू नो वेरी वेल कि आप बास वक्त क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसे देने से पहले वी थिंक 100 टाइम्स कि यार पता नहीं ये लोग सही कर रहे सही नहीं कर रहे, दे आर ऑनेस्ट और दे आर डिसऑनेस्ट, ये हम सोचते हैं। बट IMI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। मौलाना साहब, सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं तो एक बात हमने और बहुत देखी है कि जो हम एजुकेशन में बात कर रहे थे अभी अशरफ क़यूमी साहब से भी, कि अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में हमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि कहा जाए तो गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ख़ासतौर पर अहले तशय्युअ कम्युनिटी में तो उसकी तादाद और भी कम हो जाती है। सादिक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है और एक कहना चाहिए कि कौम की तकदीर बदलने वाला एक प्रोजेक्ट होगा। इस वाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो मुबारकबाद दूंगा। और एनी टाइम इफ यू नीड एनी हेल्प इन पाकिस्तान लेट मी नो। ये यूनिवर्सिटी के लिए डेफिनेटली वहां के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिग डोनर्स हैं, उनके लिए हम बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में अपील कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। मैं अपना पूरा टाइम निकाल के आई विल गिव यू, इसलिए कि एजुकेशन अगर आज हमारी कम्युनिटी में आ जाए, मैं तो पूरी दुनिया में बोलता हूँ अपने स्पीचेस में कि 10 साल में हमारे पास सारे प्रोफेशनल्स हो जाएंगे। मैं तो लोगों को बोलता हूँ यार तुम लोग छोटी गाड़ी में घूमते हो क्या? तुमको दिल नहीं पता कि तुम मर्सिडीज में घूमो, BM में घूमो। आपके पैसे से नहीं घूमना, आपके पेरेंट्स के पैसे से नहीं, खुद। तो जब प्रोफेशनल बनोगे तुम एक अच्छा पैसा अर्न करोगे, अच्छा एजुकेशन हासिल करोगे। और टॉप जो यूनिवर्सिटीज है उसमें हमारे स्टूडेंट्स होना चाहिए। मैं वहां गया था, ऑरलैंडो में नासा गया, तो वहां पे 100 लोगों के रिसर्च स्कॉलर्स की जो है लिस्ट लगी हुई है। एक उसमें अली है ना हुसैन, वेरी सैड। हमारे यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की को अच्छा एजुकेशन लो और जो अच्छा काम कर रहा सपोर्ट दे, सपोर्ट दे। तो साहब ये सारे तो अच्छे काम करने के लिए हमें मुखय्यर हजरात की, दुखी दर्द रखने वालों की मदद की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। IMI जो काम कर रहा है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस वक्त मैं आई एम वेरी ओपन, मैं IMI पे बात कर रहा इसलिए नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया घूमता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरी दुनिया तक। कहीं भी इतना अच्छी कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं मिली प्रोफेशनल्स की। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में हर वजह का आदमी रहता, लेकिन इसमें सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं। और प्रोफेशनल जो काम करेंगे वो ऑनेस्टली काम करेंगे, ऑनेस्टी के साथ काम। पढ़ा लिखा कभी ऐसा वैसा काम नहीं करे और सब पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि शिया कम्युनिटी को, शिया के जो प्रोफेशनल्स हैं उसको IMI ने एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। IMI एक प्लेटफॉर्म पर लाई, एक परचम के नीचे सबको लेकर आया। कितनी बड़ी बात है कि आपको पता है कि न्यूजीलैंड में कौन अच्छा डॉक्टर है, यूके में कौन है, अफ्रीका में कौन है, अमेरिका कौन है, लंदन में कौन है, सब कॉन्टिनेंट यू नो वेरी वेल के कौन। और इनका जो काम हो रहा है हर तरफ काम हो। तो मैं सिर्फ जो व्यूअर्स है उनको बोल रहा कि आप मेरी स्पीच सुन रहे, हर चीज सुन रहे, बट प्लीज कम फॉरवर्ड। ये नहीं कि ओके आई विल गिव यू टुमारो, टुमारो नेवर कम्स। खुद आगे बढ़ो, 2000, 3000, 5000, 10,000 डॉलर से इस तरह शुरू करो। क्यों? इसलिए कि जो तुम दे रहे, तुम ये याद रखो, ये शेयर खरीद रहे मौला हुसैन की और इमाम अली की कंपनी के। ये शेयर से जो तुम ले रहे हो, ये शेयर तुमने IMI का लिया आज, तो ये IMI का शेयर से दुनिया में तुमको इसका अजर नहीं मिलेगा। हियर आफ्टर सबसे ज्यादा अगर रिवॉर्ड मिलना है ना, इंसानियत के लिए काम करोगे। इसलिए कि हम मौला हुसैन के मानने वाले, जो सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का बचाने वाला। इमाम अली की सीरत यही कि इंसानियत के लिए जिंदा। अपने लिए तो सभी जिंदा रहते, जानवर भी जिंदा रहता, लेकिन दूसरों के लिए जिंदा रहो। किसी एक मरीज को, ये लोग हज पे जा रहे, करबला मोहल्ला जा रहे, अल्लाह सबको हमको ज़ियारत नसीब करे। अरबईन में खुद ज़ियारत नहीं कर रहे, लेकिन जो ज़ियारत करने आ रहा उसका इलाज कर रहे। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात आपने कही। सबके सब प्रोफेशनल जी। अच्छा ये भी बताते चलिए कि काफ़ी अरसा हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका नहीं आना हुआ। कनाडा और US में आपके बहुत चाहने वाले हैं, वो आपके मुंतजर हैं। हालात सबके सामने, लेकिन क्या उम्मीद रखें सर? क्या फ्यूचर में आप आएंगे यहाँ पर? मैं न्यूयॉर्क आके गया था, अभी मैं 8 दिसंबर को वापस हुआ। उनकी न्यूयॉर्क में चेहलूम पढ़ने आया था, एक मजलिस के लिए आया था। फौरन जब पता चला मैं आया तो मियामी वालों ने भी बुला लिया। मैं 28 को शायद नजब में न्यूयॉर्क में मैंने एक मजलिस पढ़ी, लेकिन मैं खौफ है डॉक्टर वजी से इसलिए कि जब तक मैंने कुछ नहीं किया था इनके लिए तो मैंने उनको फोन भी नहीं किया। वजी भाई को बाद में उनसे बात तो मैं तो था ये साल, सिर्फ ये साल भी आ गया। मैं अभी 24 दिसंबर को आया था, 8 दिसंबर को वापस गया। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और आपसे हमेशा हम लोग रहनुमाई लेते रहते हैं। आपसे बातें करके इल्म में बहुत इजाफा होता है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी लेट नाइट हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तो शफा, क्या आप कहना चाहेंगे व्यूवर्स को? इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं एंड फोन लाइन्स आर ओपन नाउ। Thank you so much, Maulana Saab. That was, truly amazing. We're so thankful for you to have taken this time out. As he mentioned, that Rasulullah says that you attract sustenance by giving to charity. So that is our one wish for you, is to please donate as much as you can. As you all know, the Dream Project, we had a $2.5 million loan that we took out. Alhamdulillah, we only have a little bit less than 900,000 left. We hope, inshallah, to finish that off, start development later this year. So inshallah, please donate. All of our donation tabs are running across the screen. IMI has worked to serve in the last 25 years millions and millions of people, providing general medical care to more than 3 million people, free or low-cost medicine to more than 1 million. Over the past 25 years, we've worked with underserved communities. Our doctors, nurses, pharmacists have provided consultative, pharmaceutical and diagnostic services, over $12 million. The work is still ongoing, the work is still necessary. So please donate, do what you can. We can't do this alone. Shifa, इतना सारा काम है कि इसको समराइज करना और किसी को फौरन बता देना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल जो व्यूवर्स हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं या उन्होंने जो थोड़ी देर पहले हमें ज्वाइन किया, उनको बताते चलें कि IMI की ये लाइव ग्लोबल टेलीथॉन, फंड रेजिंग टेलीथॉन आप देख रहे हैं हैदर टीवी और कायम टीवी पर लाइव हमारे टोरंटो स्टूडियो से, और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप दुनिया भर में जहां भी हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा मकसद यही है कि हम आपको बताएं कि IMI दुनिया भर में क्या काम कर रही है, हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ ही आपसे इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है कि इन कार-ए-खैर के कामों में आप अपने अतियात और अपनी दुआओं के साथ हमारा जरूर साथ दीजिए। और जैसा कि हमने बताया कि आज जो हमारा मकसद है, जो 3 घंटे की ट्रांसमिशन ये महफिल हमने आपके लिए सजाई है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि IMI के कामों से आपको थोड़ा रोशनास कराया जाए, बताया जाए कि हम दुनिया के 55 ममालिक में इंसानियत की खिदमत किस किस तरह से कर रहे हैं। और चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि कार खैर के सफर में आप हमारा साथ दें। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, लाइव कॉल के जरिए प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी शिफा, सो वन ऑफ द वेज दैट IMI हैज बीन ऑन द ग्राउंड, वी हैव very lively presentation by Dr. Mehdi Rizvi coming up about COVID. But before that, we would like to present to you about, in the last month, as you know, the Hazara community suffered a great loss at the hands of terrorist entities. What IMI did in response, to outline that, we have big panel of special guests, including IMI Women, Women's Wing Global President Dr. Huma Naqvi, Dr. Sandas, who is part of the Hazara community, and Khanum Tayyaba Bukhari coming up. जी हाँ, बहुत बड़े बड़े नाम हमारे पास हैं जो थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। शिफा, थोड़ा सा जो हमारी यूथ है, जो नॉर्थ अमेरिका की ऑडियंस है, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, यहाँ मुझ जैसे लोग तो शायद उनसे इतना बात नहीं कर सकें, बट जस्ट अ स्मॉल मैसेज फॉर देम, जस्ट अ रीकैप, व्हाट हैज IMI बीन डूइंग इन द लास्ट 1 or 2 years, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड एंड द ब्लैक लाइफ मूवमेंट्स thing. Definitely. So as a response to the killing of George Floyd this year, of course the social unrest that we found, all of the United States and Canada tackling the issue of racial injustice in the country, we launched IMI for Black Lives. We released a co-signed statement with dozens of other Shia and Muslim organizations across North America condemning the acts of the killing of George Floyd. We provided scholarships for a dozen students with the help of Level Playing Field, an organization that works with students in inner city Chicago. We also provided Urdu and English language speaking videos featuring our ulama speaking about racial equity and its importance in Islam. So IMI advocates for all marginalized communities, whether it's Black Lives in North America or our Hazara community who are, you know, our own brothers and sisters. और शिफा, जब ब्लैक लाइफ मूवमेंट हुआ था तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और ये मैसेज बाहर फैलाना बहुत ज़रूरी था कि लोगों के पास, हमारे पास एक विंडो थी कि हम बताएं कि इस्लाम डज नॉट हैज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर रेशिज्म। जैसे कि हमने उसमें आईएमआई ने बिलाल फ्लॉइड स्कॉलरशिप का जो है वो आगाज़ किया और हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम के हवाले से थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये क्लियर मैसेज देने का हमारे पास एक अच्छा कहना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम लोगों को बताएं कि जनाब इस्लाम के अंदर कोई रेशिज्म नहीं है और इसके हवाले से तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझा एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल एट लीस्ट हैड मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इस्लाम सेज अबाउट दिस। डेफिनेटली IMI as a racial as a religious body, as a scientific body, what we do is try to provide as much education as we can as possible. We try to extend our help to those in need in our community and abroad, but also hope to educate them in the same realm. अच्छा, तो आपके और दूसरी बात हम थोड़ी देर बाद आपको और भी इसमें मजीद इनपुट देंगे और हम अपने एक्सपर्ट्स को भी लेके आएंगे, खास तौर पे कोविड के हवाले से जो हमने काम किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि ना सिर्फ ये कि नॉर्थ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे पास डिस्ट्रेस कॉल्स आई, पाकिस्तान में अप टू स्कर्दू स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टू स्कर्दू, इंडिया में बाकी जगह जहाँ जहाँ हम लोगों की खिदमत कर सकते थे, हम उनकी SOS कॉल को रिस्पॉन्स कर सकते थे। IMI ने उस दायरे में जो है वो कदम बढ़ाए और किसी को मायूस नहीं किया, कोशिश ये की कि जितनी हमारी बिस्तात थी, जितना हम कर सकते थे, हमने लोगों की मदद करने की कोशिश की है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे शिफा, काफ़ी नए गेस्ट जो हैं वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। थोड़ा सा कभी कभार कुछ लाइव टेलीथॉन में टेक्निकल इशूज हो जाते हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट शिफा, वर्किंग फॉर IMI मैंने बहुत सारी NGOs के लिए काम किया, इतफाक़ किया, लेकिन एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि रंग व नस्ल, मजहबी तफरीक, आपकी ज्योग्राफिकल तफरीक, इन सब चीज़ों को साइड में हटा के एनी वन हु कम्स अप and he can identify himself as a genuine person who needs help, IMI has been there to help them out. Definitely, IMI does not discriminate by race or ethnicity, by culture, by creed. What we do is try to save humanity. It's the Surah Al-Maida verse that we take our inspiration from, that our hundreds of members take our inspiration from, and whosoever saved the life of one, it's as if he saved the life of all mankind. And that is exactly what we here at IMI choose to, or hope to do. One of the things that IMI is hoping to highlight in the next segment is our work on the Hazara front. In the last month, we've collected more than $75,000 from donors like you. We've worked in advocacy at the UN, of course, for the last 25 years. In the last month, we've sent letters to the UN ambassador, to the ambassador of Pakistan in America, to the United States General Secretary, and Antonio Guterres, to Amnesty International, Human Rights Watch. Since this is an issue that we cannot stand for, we can't. जी हाँ, ये हमने पूरी कोशिश की इस दौरान के, जैसे हम बता रहे हैं कि IMI ने सिर्फ ये नहीं कि इंसानियत की खिदमत सिर्फ हेल्थ केयर के हवाले से या राशन पहुंचाने के हवाले से की, बल्कि हमने ये भी कोशिश की कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। हज़ारा किलिंग और बाकी चीज़ों के हवाले से हमने जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ यूनाइटेड नेशंस और बाकी जगहों पर जाकर अपनी आवाज़ रेस की। शिफा, कुछ कॉलर्स को लेना प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं अक्षर आदि बोल रहा हूँ, मैं कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। जी जी सादी साहब, बहुत शुक्रिया, आप डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन पहले ये बताइएगा, जो लोग भी जानना चाहेंगे और खासतौर पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि जहाँ इतनी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, हर आदमी आपके सामने अपने अच्छे काम रखता है और आपसे गुजारिश करता है कि उसको फंड करें, आपने IMI को क्यों चुना? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, और मेरी बहन को भी सलाम पहुंचे मेरा। दिस इज द टाइम आई एम थिंकिंग दैट रियली आई एम यूजिंग माय टाइम इन प्रोडक्टिव वे। वी वॉच टीवी जस्ट टू स्पेंड द टाइम एंड दैट टाइम गोज वैनिश्ड इन हियर। बट मुझे आज देख के ये खुशी हो रही है कि ये नई जनरेशन और नई कौम और नया ब्लड आ चुका है जी, और खास तौर से अहले तशय्यो में, तो ये हमारी कौम के लिए बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ पर जिन गेस्ट को आपने बुलाया है वो तमाम के तमाम रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और तीसरी जो अहमियत की बात है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में न्यू जर्सी में जो स्पेशली जो लोग हैं उनको मैं काफी अच्छी तरह से और बैक होम फ्रॉम पाकिस्तान से जानता हूं, तो उन सब को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे। आबिद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यंग जनरेशन में शुमार किया, तो आज मेरा थोड़ा सा वजन भी बढ़ जाएगा और मेरे अंदर खून की रवानी जो है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो सर मैं उसी सवाल किया पाऊंगा कि IMI के कौन से काम हैं जिन्होंने आपको मुतासर किया है? IMI के जो काम है बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जो शीयों के साथ इनकी जो वो है एक लिहाज से इंसानी खिदमत, इंसानियत की जो खिदमत है और जिसके ऊपर मैं काहे बगाहे कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ या इंटरनेट के ऊपर बाद दफा आर्टिकल्स आते हैं। मैं इन्वॉल्व तो नहीं हूँ, अपनी एक लाइफ है उसमें ज्यादा इतनी अचीवमेंट्स नहीं है तो मैं, लेकिन ये जरूर है कि जिन लोगों से मैं मिला हूँ यहाँ पर खासतौर से वजी साहब और उनके फादर और उनके छोटे भाई भी हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात रही है, कुछ और लोग भी हैं, तो मैं उनको अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, तो वो ये मेरे लिए इज्जत अफजाई है। तो ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है कि वो मुझ जैसे को भी इज्जत देते हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको अच्छा रखे। और ये सवाल बहरहाल जब वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ऊपर जिनको आना ही होता है, अगर वो उनमें नियत नेक हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो आई बिलीव कि उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अल्फाज से हमें याद किया, हमारे बारे में तारीफें की और यकीनन आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत अहम हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे वॉलंटियर्स आपसे रब्ता करेंगे और आप अपनी डोनेशन उन तक भेज सकते हैं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि डोनेशन का सिलसिला जारी है और जैसे कि हम बार बार इस टेलीथॉन में शिफा अपील कर रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि हमारे काम अच्छे हैं, इट्स वर्थ इट, आप बहुत मेहनत से डॉलर्स कमाते हैं या फिर रुपए कमाते हैं, हर आदमी बहुत मेहनत करता है, अगर आप समझते हैं कि हमारा ये काम डिजर्व करता है योर हार्ड अर्न डॉलर्स, तो प्लीज हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल्स लेकर हमें बहुत खुशी होगी और आपके डोनेशंस का हम शुक्रिया अदा करेंगे। What we'll do next is actually cut to one of our special guests, Khanum Tayyaba Bukhari. She is no stranger to IMI Women's Wing. She was at our conference at the Silver Jubilee Conference in 2019. वेलकम खानम जी। हमारी बहुत बड़ी सादत है कि मारूफ आलिम दीन स्कॉलर जनाब तैयबा बुखारी साहब हमारे साथ जो है मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप IMI के काम को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, जैसे शिफा ने कहा कि सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई थी वहाँ पर भी आप तशरीफ़ लाई थी, आपने बहुत क्लोजली मुशाहिदा किया कि IMI क्या काम करता है, खासतौर पर इनके विमेन विंग्स क्या काम करती हैं। आपने मुशाहिदात क्या आप हमारे व्यूवर्स से शेयर करना चाहेंगी? इसमें कोई शक नहीं है, बिलाशुबा इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है और जैसा कि मेरी इत्तला में आया कि 55 प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं और रूरल एरियाज़ में जाके बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम देते हैं ये लोग। और मैंने ख़ुद मुशाहदा किया, इनके वीडियो क्लिप्स भी देखे, सबसे मेरी मुलाकात हुई। तो मेरी गुजारिश है व्यूवर्स से कि खालिक कायनात ने कुरान करीम में मसला इन्फाक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, टू स्पेंड इन द पाथ ऑफ गॉड, इन्फाक यानी राह खुदा में खर्च करना। तो ये जो मसला इन्फाक है कुरान करीम में, इसको एक ख़ास इम्पोर्टेंस दी गई है और खालिक अकबर ने जो आयात इसमें बयान की हैं, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जो राह खुदा में अपने अम्वाल खर्च करते हैं, कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, जो राह खुदा में खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक सीड, एक बीज जमीन में डाल दिया जाए और उसमें से 100 बाली निकले और हर बाली 100 उसमें से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाना हो, वल्लाहु वासिउन अलीम। और खालिक कायनात देखता है कि अगर नीयत को रियाकारी का वायरस ना लगा हुआ हो तो वो उसको वासिउन अलीम, वो वासे बहुत ज्यादा वसअत अता करता है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, युज़ाइफ़ु यानी बढ़ाता चला जाता है और अज़आफ़ा मुज़ाअफ़ा का मिस्दाक बनाकर उसको इतना ज्यादा बढ़ा देता है, अलीम चूंकि वो नीयतों के हाल से आगाह है, वो जानता है कि किसने किस नीयत से राह खुदा में खर्च किया। फिर कुरान करीम की और बहुत सी आयात हैं, सूरह मुबारक बकरा में खालिक कायनात ने जिस तरह से गाइड किया है कि माज़ा यस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, वो आपसे रसूल सवाल करते हैं कि हम राह खुदा में किस तरह से इन्फाक करें, तो उनसे फरमा दीजिए मा अनफक़तुम मिन खैरन, जो भी खैर माल में से हो, खैर की नीयत से हो, रिस्के हलाल हो, रिस्के तय्यब हो, तुम राह खुदा में खर्च करो। यहाँ पर तो 5 कैटेगरीज बयान की गई हैं, फलिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। तो वालिदैन के लिए, अक़रबीन अपने अक़रबा के लिए, और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट जिसकी जानिब आपकी तवज्जोहात को मबसूल कराना चाहती हूँ कि जब लोगों से कहें कि राह खुदा में, तो वो कहते हैं कि हमारे अजीज रिश्तेदार जो डिजर्विंग हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। कहता है, कुरान करीम कहता है फलिल वालिदैन, वालिदैन तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ही, वल अकरबीन, तुम्हारे आइज़ा में, रिश्तेदारों में, सिबलिंग्स में, अजीजों में जो डिजर्विंग हैं वो भी, वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर तुम अकरबा को, अपने आइज़ा को सपोर्ट करते हो तो बस ये काफी है, नहीं, वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील, कौम के दरमानदा अफराद, कौम के ऑर्फन्स, यतीम, विडोज, वल मसाकिन वो अफराद जिनकी अर्निंग, जिनकी इनकम इनफ नहीं है और वो अपने जिंदगी के हालात में वो कमाते हैं लेकिन वो गुजारा नहीं कर पाते, उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो सही तौर से अपने मियार जिंदगी को बरकरार रख सकें, उन सब की मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर कुरान करीम में 4 पारे का आगाज होता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पा ही नहीं सकते जब तक के तुम राह खुदा में अपनी वो चीज कुर्बान ना करो, वो खर्च ना करो जो तुमसे ज्यादा पसंद हो। इससे मालूम हुआ कि खुदा में इंफाक करने के जो शराइत हैं वो ये है, बेहतरीन माल को खर्च करो। और वाकई कुरान करीम में जो आयात बयान की गई हैं उनमें 10 शर्त बयान की गई हैं राह खुदा में खर्च करने की, जिसमें एक शर्त ये है कि माल हलाल और तय्यब होने के साथ साथ तुम्हारे रिस्क का बेहतरीन हिस्सा हो जिसको राह खुदा में खर्च करो। फिर खालिक कायनात ने सूरह मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और इसी तरह सूरह मुनाफिकून में, सूरह बकरा में तो बहुत ज्यादा इन्फाक के मसाइल को बयान किया और उसकी अहमियत को बयान किया। खालिक कायनात फरमाता है कहीं ऐसा ना हो, अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, ए साहिबान ईमान राह खुदा में इन्फ़ाक़ करो, मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत आ जाए और फिर वो बारगाह खुदाबंदी में दरख्वास्त गुजार हो कि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, परवरदिगार अगर मेरी अजल को मुअख़्ख़र कर दे तो मैं अस्सदक़ा व अकुम मिनस्सालिहीन, मैं राह खुदा में सदका करूँ, मैं राह खुदा में खर्च करूँ। जैसा मुबारक मोमिनून में भी फरमाया कि वो कहता रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, परवरदिगार एक चांस मुझे दे दे, एक बार दुनिया में लौटा दे ताकि मैं वो नेक अमल अंजाम दे सकूँ जो मैंने मिस कर दिए, जिनको मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि अब मैंने आखिरत को देख लिया और तेरे वादे को देख लिया और हकाइक को देख लिया। वस्तखरजहुम मिन जलाबी बिगफलतिहिम, गफलत के हिजाबात मेरे चेहरे से, मेरी निगाहों के सामने से बरतरफ हो गए और मुझे हकाइक हुआ और मेरे इल्म में आया कि इलाही वादा सच था और मौत बरहक है और लाइफ आफ्टर डेथ का जो तस्वुर इस्लाम ने दिया है, हयात पसज मर्ग का, वो मौजूद है। तो रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। तो खालिक कायनात की जानिब से खिताब आता है कि नहीं, हरगिज नहीं, अब नहीं, वो जो तुम्हें मोहलत दी थी अब इसके बाद नहीं। तो ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ी गनीमत है उसकी जिंदगी, जैसा कि मौला कायनात ने नहजुल बलागा में भी इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले अपने लिए गनीमत तसव्वुर करो। और उसमें यह कि तुम्हारा माल, तुम्हारे हाथ खुले हैं, तुम्हारे पास वसाइल मौजूद हैं, उनको राह खुदा में खर्च करो इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी तुमसे छिन जाए और तुम्हारा मालो सरबत फ़क्र में, गुर्बत में तब्दील हो जाए। इससे पहले तुम इसको अपने लिए एक अच्छा मौका तस्वुर करते हुए, गनीमत और फुर्सत समझते हुए राह खुदा में खर्च करो। कुरान करीम की बेशुमार आयात हैं, मा अनफ़िक़ू वमा तुनफ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम, जो भी तुम राह खुदा में खर्च करते हो उसके बेनिफिट्स, उसके फ़वाइद की बाज़गश्त खुद ज़ात की जानिब है। जैसा कि एक बड़ा मशहूर वाक़या सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का, कि गोस्फन ज़िबा किया गया और हुजूर तशरीफ ले गए और अपने अहल खाना को हुक्म दिया कि राह खुदा में तकसीम कर दिया जाए। तो जब लौटे तो उम्माहात मोमिनीन में से एक ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कुछ थोड़ा सा गोश्त बाकी रह गया है। तो आका ने इरशाद फरमाया कि बाकी वो है जो दिया जा चुका है, ये फानी है, वो बाकी है जो राह खुदा में दिया जा चुका। तो खालिक कायनात इसीलिए कुरान करीम में कहता है कि वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। वो कुरान करीम की आयत सूरह बकरा की मशहूर मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। खुदा उसको बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। और इंसान, ये सदका जारिया है, ये कभी उसका अमल बंद नहीं होती। वो दुनिया से रुखसत भी हो जाता है तो उसके नामा अमल में उसका सवाब मजीद वक्त के साथ साथ ऐड होता चला जाता है। तो इसलिए कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत सुनहरी मौका है राह खुदा में खर्च करने का। और सूरह मुबारक बकरा में उन लोगों के शराइत बयान किए गए जिन पे ये आपकी फाउंडेशन खर्च करती है। वो जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के सामने ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, लोगों से इसरार के साथ सवाल नहीं करते। जैसे आप रोड पे जा रहे हों तो कुछ बेगर्स, कुछ भिखारी आ जाते हैं और वो आपको मजबूर करते हैं, इसरार करते हैं। तो ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो कभी किसी से सवाल नहीं करते। यहसबहुमुल जाहिलु अगनिया मिन अत्तअफ्फुफ, लोग इनको नहीं जानते बहुत लोग, हालांकि यारिफून बिसीमाहुम, वो अपने चेहरों से पहचाने जाते हैं कि डिजर्विंग हैं, लेकिन इसके बावजूद इज्जत नफ्स की वजह से सवाल नहीं करते, सफेद पोश लोग हैं। उन लोगों के लिए खर्च करना, कुरान करीम ने उन लोगों पर खर्च करना हमारे लिए वाजिब करार दिया। और सूरह मुबारक मुदस्सिर कुरान करीम का बड़ा मशहूर सूरा है, या अय्युहल मुदस्सिर। उस सूरह मुबारक मुदस्सिर में खालिक कायनात ने जो हालात बयान किए, यसअलून, वो अफराद जो जन्नत में बैठे हैं, और खालिक कायनात बयान करता है कि वो सवाल करते हैं, मासाला का कुम्फी सकर फी जन्नात यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, जन्नत में वो मुजरिमों से सवाल करते हैं कि मासाला का कुम्फी सकर, तुम कैसे चले आए, तुम तो हमारी तरह के कलेमांगो थे, मोमिन थे, मुसलमान थे, अहले आज़ा थे, तो मा सलकाकुम फी सकर। और इसमें किसी को कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। असली तमाम उलमाए इस्लाम ने, खा वो शिया हो, खा वो सुन्नी हो, सब ने इसको बयान, ना ये आयात मुशरिक के बारे में है ना काफिर के बारे में। और अहले तशय्यो, तमाम उलमाए तफसीर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये आयात मुनाफिक के बारे में भी नहीं, इसलिए कि कुरान करीम कहता इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, और जन्नत में जो लोग होंगे वो साहिबा फहम फरासत और अहले अक्ल खिरद होंगे, वो जाहिलाना सवाल नहीं कर सकते। वो मुनाफिक से क्यों पूछेंगे कि तुम जहन्नम में क्यों आए? कुरान में मौजूद है, कुरान ने पहले ही बयान कर दिया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे। तो मालूम हुआ ये मुनाफिक भी नहीं है। तो वो पूछेंगे विरताए हैरत में डूबे हुए, मासाला का कुम्फी सकर, कौन सी चीज है जो तुम्हें जहन्नम में ले आई? तो वो उनके जवाब में कहेंगे लम नकु मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता आताना अल यकीन। वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहली हमारी गलती ये थी कि हम नमाज की इम्पोर्टेंस के कायल नहीं थे, नमाज को बाकायदगी से नहीं पढ़ते थे, नमाजें कज़ा होती रहती थीं, कुछ पढ़ लेते थे, कुछ छोड़ देते थे, लापरवाह थे, केयरलेसनेस का शिकार थे। व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गुरबा का ख्याल नहीं रखते थे। यहाँ कुरान करीम में अल्लाह ने इन दो के बहुत जरूरी करार दिया, यानी अब्द का जो राबिता है खालिक और मखलूक दोनों के साथ, उसमें बैलेंस होना चाहिए। जैसे खालिक के साथ राबिता जरूरी है लम नको मिनल मुसल्लीन, उसी तरह मखलूक के साथ राबिता जरूरी है लम नको नुतइमुल मिस्कीन। हम मसाकीन की फिक्र नहीं करते थे। जिस तरह नमाज जरूरी है, उसी तरह इन लोगों का ख्याल रखना, राह खुदा में खर्च करना, हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, साइल और महरूम अफराद का तुम्हारे माल में हक है। और फिर खालिक कायनात कुरान करीम में एक और मकाम पे इरशाद फरमाता है, इससे भी ज्यादा खौफनाक आयत है ये आयत। तो ये है कि वो कहते हैं हम ख्याल नहीं रखते थे, और दूसरी आयत ये ला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, जो लोग अहले सरबत थे, जो लोग वेल ऑफ थे, जो लोग दे सकते थे, जो साहिबान माल थे, हमने कोशिश करके उनसे पैसे नहीं निकलवाए गुरबा के लिए। जैसे बाज बाज लोग कह देते हैं कि जो हमारे पास है हम वो देंगे, लेकिन हम दूसरों के लिए वादा नहीं करते कि हम दूसरों से भी जमा करें। तो उसके लिए कुरान की आयत है, अगर तुम्हारा वर्ड ऑफ माउथ इतना इफेक्टिव है, अगर तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स हैं, अगर तुम्हारे ताल्लुकात हैं, तुम अगर उस पैसे को इकट्ठा कर सकते हो उन अफराद के लिए जो डिजर्व, तो कयामत में अगर तुमने दुनिया में ये काम न किया तो कयामत में तुम इस बात पर भी बारगाह खुदाबंदी में जवाबदेह हो कि तुमने क्यों लोगों से जमा करके डिजर्विंग लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक, इस्तेहकाक रखने वालों तक क्यों नहीं पहुंचाया। वो सिसकती बिलकती जिंदगियां तुम्हारा एक वर्ड ऑफ माउथ, तुम्हारी एक टेलीफोन कॉल, तुम्हारी एक ईमेल, तुम्हारा एक SMS किसी की मदद कर सकता था, तो तुमने इससे बुखल क्यों किया। खालिक कायनात ने कुरान करीम में इसकी और मकामात पे भी मजम्मत की है, वमन यबखल फइन्नमा यबखलु लिनफ्से, जो शख्स भी बुखल का मुजाहरा करता है उस बुखल के नुकसानात का रुख भी उसकी अपनी जात की जानिब होता है। जैसा कि दूसरे मकाम पे हमने अर्ज किया कि खालिक कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमाता, वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, जो तुम खैर में से खर्च करते हो उसके बेनिफिट्स की बाजगश्त भी तुम्हारी ही जात की जानिब है, उसका फायदा तुम्हें मिलता दुनिया और आखिरत। तरह अपनी खवातीन को उनके पैर पे खड़ा करें। तो पहले सबसे पहले एजुकेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि हमने शुरू किया कि जहां जहां जरूरत है, जिन जिन लोगों को सेहत की और एजुकेशन की, वहां हम पहुंचे। आज से बहुत साल पहले जब इराक में बेइंतहा डिस्ट्रक्शन हुआ वॉर की वजह से, तो हम वहां गए और हमने देखा कि उनमें क्या क्या जरूरियात हैं। खास तौर से हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर थी, लिहाजा IMI ने वहाँ पहुँच के सेहत के शोबे में बेतहाशा काम किया ऑन ग्राउंड, और न सिर्फ ये कि मरीजों को देखा, अस्पतालों की मदद की, बल्कि उनके अपने डॉक्टर्स को ट्रेन किया ताकि वो खुद उनकी देखभाल कर सकें और इस हेल्थ के शोबे को इम्प्रूव कर सकें। तो बेसिकली दीगर ममालिक में हुआ। इराक़ की हम स्पेशली बात करने चाहेंगे। इराक़ हमारे दिलों से बहुत करीब भी मुल्क है ज़ियारत की वजह से, और वहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जनरेशन ऑफ जनरेशन गुजर गई, वहाँ सिर्फ जंग व जदल ही चलती रही है। तो वहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्या देखा और किस तरह IMI ने वहाँ पर लोगों की हेल्प की और ख़ासतौर पर वहाँ की ख़वातीन को और बच्चों की? जी हाँ, तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट इशू था जिस वक्त IMI ग्राउंड पे पहुंची है, कि वो कई सदियों से वॉर पे थे और ना सिर्फ उनका मेडिकल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका था, बजाय इसके अलावा तालीम के शोबे में वो बिल्कुल ही दुनिया के मुकाबले में पीछे रह गए थे। उनकी प्रोग्रेस जो थी वो ऑलमोस्ट निल लेवल पे थी। तो IMI ने वहाँ पहुँच के उनको नई टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग की तालीम दी और उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मदद दी। और सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, कि क्योंकि वॉर की वजह से वहाँ का पानी, वहाँ की हवा, मिट्टी, हर चीज़ न्यूक्लियर कॉन्टेमिनेटेड है और थी। इस वजह से वहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें बेतहाशा डिसेबिलिटीज़ पाई जा रही हैं। ख़ास तौर से दिमागी अमराज और दिमागी प्रॉब्लम्स उन बच्चों में बहुत है। और अफसोस की बात यह है कि वो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं उन मुहताजियों के साथ, उन डिसेबिलिटीज़ के साथ, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ एक स्पेशलिटी जो कि यहाँ अमेरिका में और पूरे नॉर्थ अमेरिका में बहुत ग्रो कर रही है, जो कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के नाम से जानी जाती है, वहाँ उसका कोई तसव्वुर नहीं है। तो हम जाते रहे बहुत साल और उनको बताते रहे, सिखाते रहे, यहाँ तक कि उनके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये एक्सेप्ट किया कि इस फील्ड की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसको जो है एक नई फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन रेजिडेंसी को स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह अब इन दिनों में हम 600-700 फिजिकल मेडिसिन के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। और ख़वातीन के हवाले से ये है कि पूरी दुनिया में हम इसी तरह के सर्टिफिकेशन कोर्सेस करना चाहते हैं ताकि औरतों को हम स्किल सिखाएं, जैसे कि मेडिकल असिस्टेंट्स हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ों के। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, ख़ासतौर पे सब कॉन्टिनेंट के हवाले से आप लोग ने कुछ टारगेट्स बनाए हैं? जी हाँ, इस वक्त जो है जैसे कि सब से आपने सुना और सब जानते हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ IMI की पहुँच है और हम जाके हेल्प करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हट जाइए, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि चकवाल के एक विलेज में है, जिसमें हम एक ख़वातीन के लिए चाइल्ड एंड वुमेन हेल्थ सेंटर कायम कर रहे हैं, जिसका बेसिक मकसद ये होगा कि ख़वातीन की सेहत और उनकी प्रिवेंशन और उनकी डिजीज़ के लिए काम किया जाएगा। दूसरा काम जो IMI वुमेन विंग is very proud to introduce is at the level of Hazara, कि वहाँ पर इस कदर सफरिंग है। हम चाहते हैं कि वहाँ की ख़वातीन को वोकेशनल रिहैब सिखाएँ, उनको तालीम दें मुख्तलिफ शोबों में, और बच्चियों से लेके जो विडोज़ हैं उनके लिए हम ऐसी चीज़ें फराहम करें कि वो आगे चल के अपने आप को सपोर्ट कर सकें। डॉक्टर ये भी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि विजुअली भी लोगों को दिखा सकें कि जो पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक के दौरान IMI की क्या खिदमत रही, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेडोमिनेटली आप लोग एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, तो पेंडेमिक के दौरान आप लोगों की क्या खिदमत रही है वर्ल्ड ओवर, कुछ उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी हाँ, IMI ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस कोविड के सिलसिले में। पहली बात तो हमने एक कोविड टास्क फोर्स तैयार की, जिसमें बेहतरीन डॉक्टर्स को शामिल किया और उनके ज़रिए हमने मुख्तलिफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, जिसमें वेबिनार थे और वीडियोस थी एजुकेशनल। उसके अलावा दुनिया भर में हमने PPEs डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री अस्पतालों में और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। इसके अलावा जो है ख़ास तौर से पाकिस्तान में फातमीत इमरजेंसी सेंटर कायम हुआ, जहाँ पर लोगों का बेहतरीन इलाज किया गया। इसके अलावा हमने वुमेन विंग के हवाले से, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि वुमेन विंग के 10 सब ग्रुप्स हैं, उनमें से बहुत ही फाल ग्रुप जो है वो इलनेस सपोर्ट ग्रुप का है और इलनेस सपोर्ट ग्रुप को लीड कर रही हैं मोहतरमा आमरा हैदर, और उन्होंने इसमें ये काम किया कि जो ज़रूरतमंद ख़ानदान थे उनको जो भी ज़रूरत थी उस वक्त फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी उन्होंने पहुंचाई। इसके अलावा यूथ विंग ने जो है बेतहाशा काम किया इस कोविड में, उन्होंने लोगों को राशन पहुंचाए, उनको तालीम की एजुकेट किया और इस सिलसिले में काफ़ी काम हुए कोविड के। उसमें मेंटल हेल्थ के सेमिनार्स हमने किए क्योंकि इस कोविड की वजह से लोगों में बड़ी सोशल आइसोलेशन एंड मेंटल डिजीजेस जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो उस पर बेतहाशा काम हुआ। तो कोविड का सिलसिला जारी है और अभी हमने रिसेंटली पोस्ट कोविड रिकवरी क्लिनिक स्टार्ट किया है क्योंकि कोविड नजर आ रहा है कि इन्फेक्शन इंशाल्लाह ताला कम होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो बहुत सारे मसाइल से गुजर रहे हैं। उसमें खाली जो है बुखार का उतर जाना या दर्द का चले जाना नहीं है, वो बहुत सारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने एक क्लिनिक स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों को गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे। और दूसरी बात कि इन चीज़ों पे हम रिसर्च करना चाहते हैं जो कि आपको मालूम है कि हमारा एकेडमिक डिपार्टमेंट बहुत डॉक्टर भाई यकीनन इन सारे कामों के लिए हमें कुछ फंडिंग की जरूरत है, ये हम और आप खाली डॉक्टर जो हैं वो मिलकर ही काम नहीं कर सकते। जी हाँ यकीनन, जैसे कि खानम ने बेहतरीन तरीके से इसको डिस्क्राइब किया कि हम चाहते हैं कि लोगों की हेल्प करें लेकिन एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो मेरी दरीना ख्वाहिश है और दरीना अपील है आप सबसे कि जो जो भी कंट्रीब्यूट कर सके। और एक पुराना जुमला मुझे याद है खानम का कि जिसमें जो सलाहियत है वो यूज़ करे लोगों को हेल्प करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एक फाइनेंशियली हेल्प हो, अगर आपके पास ऐसा हुनर है, ऐसी तालीम है, ऐसी ताकत है जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकें तो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस सो वी कैन हेल्प। चलो हमारा डॉक्टर हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और इतने मुफस्सल तरीके से आपने बताया कि आईएमआई की विमेन विंग्स जो है वो क्या काम कर रही है और कोविड के हवाले से आईएमआई ने क्या काम किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिफा आपने सुना कि बड़ी खुशी भी और आई एम श्योर आप भी बड़ा ग्लैड होंगी सुन के कि खवातीन जो है आईएमआई में बड़ा जबरदस्त रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। डेफिनेटली एंड डॉक्टर हुमा टच्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी सिंगल पर्सन हैज प्लेड एन एक्टिव रोल स्पेशली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, वेदर इट्स आवर आईएमआई पाकिस्तान रनिंग अ टेंपरेरी ऑक्सीजनेशन फैसिलिटी, आवर नेशनल टास्क फोर्स here in the United States on COVID-19, delivering PPE and to frontline workers, especially most of our membership who are frontline workers themselves. बिल्कुल, और इसमें ये भी बताते चलें अपने व्यूवर्स को कि ना सिर्फ ये कि कोविड के दौरान आईएमआई के सारे वॉलंटियर्स और डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर है बल्कि बहुत सारे काबिल और मतलब कहना चाहिए कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो हैं वो इस कोविड वायरस से लड़ते लड़ते हमसे जुदा भी हो गए। अल्लाह ताला उन्हें अपनी मग़फ़िरत में जगह दे। और अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और रिसेंटली संदर साहब ने भी होगा हजारा कम्युनिटी के हवाले से हम बात करेंगे। ये वो कम्युनिटी है जो बहुत ज्यादा परसिक्यूशन का शिकार है। मुझसे ज्यादा आप लोगों ने टीवी पे पढ़ा होगा, अखबारात में देखा होगा, सब आप इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। हजारा में आईएमआई का क्या काम रहा है उस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हम चलेंगे ह्यूस्टन जहां पर मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर संदस जो कि खुद हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं और इन तमाम चीज़ों को उन्होंने अपफ्रंट देखा है और वो हमें बताएंगी कि आईएमआई का हजारा में क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। संदस, हम इसी मौजू पे बात आपसे करना चाह रहे थे कि आप हजारा कम्युनिटी के साथ जो और वहाँ पर क्वेटा में जो जनरल शिया कम्युनिटी है उसके साथ जो खास वाक़यात रहे हैं गुज़िश्ता 10-12 साल से वो किसी से छुपे नहीं हैं। वो अलमदार रोड का वाक़या हो, चेहलम के जुलूस हों या फिर हालिया दिनों में जो कोल माइनर्स मच में थे उनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई। आप खुद हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, ज़रा बताइएगा कि अपने ही मुल्क में जब आपको इतना ज़्यादा परसिक्यूट किया जाए आपके मज़हब के हवाले से, आपकी शनाख्त के हवाले से, जनरली हजारा कम्युनिटी इस वक्त क्या फील करती है? देखें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतने ख़ास ओकेजन पे मौके पे आपने मौका दिया कि मैंने हज़ारा कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। आप ज़रा एक चीज़ तस्वर करें आशर भाई, जिस हालात में इस वक्त हज़ारा कम्युनिटी जिन हालात से सालों से गुजर चुकी है ये सबके सामने है, लेकिन जो बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि हज़ारा कौम स्पेशली क्वेटा की जिनसे मेरा ताल्लुक है बहुत ही मेहनती, बहुत ही बासलाहियत कौम है, लेकिन अफसोस की बात यह कि मुस्तकिल डर, मुस्तकिल खौफ में रहने से नाउमीदी और बेबसी आखिर हो ही जाती है। अब आप तसव्वुर करें जो रोजगार के लिए लोग निकलते हैं जिनको पता नहीं कि वो शाम को घर लौटेंगे या नहीं, या जो तालिबे इल्म स्कूल जाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते अपनी मतलब मेहनत, जो सहमा हुआ बच्चा है जिसने अपने बाप को अपने सामने शहीद होता देखा है वो अपने घर से नहीं निकल सकता, और जो भी जुल्म के हाथ से उनकी खबर आती है तो माएं बहनें सबसे पहले दुआएं करने लगती है कि जब शहीदों की फहरिस्त निकले तो उसमें उनके प्यारों का नाम ना हो। तो हर दिन इस खौफ, इस डर, इस फीलिंग के साथ रह रहे के बहुत आसान है मुस्तकबिल को तारीख देखना, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि उस तारीकी के बाद रोशनी जरूर आएगी, और IMI का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसी रोशनी को कायम रखने के लिए आज से नहीं बल्कि पिछले 30 साल से सिर्फ हजारा कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि सारे शिया कम्युनिटी के लिए IMI ने बहुत खिदमत अंजाम दी है। जी सुंदर, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, लेकिन एक सवाल मैं बहुत पूछना चाहता था। आप हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और कहा यह जाता है कि मेजॉरिटी हजारा जो हैं वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर कैद होकर रह गए, हजार गंजी अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, कि लाइफ इज़ लाइक लिविंग इन साइड अ वर्ल्ड सिटी। उससे कितने मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, कितने फिजिकल लोगों को प्रॉब्लम हो रहे होंगे, क्या बता सकती हैं आप हमें इस बारे में? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्वेटा में जो जियोग्राफिकली ऐसी लोकेशन है कि एक हजारा टाउन है और एक अलमदार रोड है, और यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन है हजारा कम्युनिटी की। एक साइड से पहाड़ से ब्लॉक्ड है और एक साइड से हालात की वजह से खुद हजारा वॉलंटियर्स ने जो है बैरियर्स लगाए हुए हैं सेफ्टी के लिए, तो वो बहुत ही महदूद इलाका है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सलाहियत बहुत है वहाँ के लोगों में, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल पा रहा। और IMI का एक बहुत ही अच्छा जो है इरादा ये है कि वो चाहती है कि इंशाल्लाह जो हजारों डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में उन सबको इकट्ठा करें और ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाए ताकि इसी एरिया में जो हजारा टाउन और जो अलमदार रोड के एरियाज हैं, यहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, इनमें वो मदद फराहम की जाए जो इस वक्त ज़रूरत है। इसके अलावा जो ख़वातीन, जो शोहदा की फैमिली हो गई, या जो ख़वातीन अपने घरों से, अपने इलाके से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उन्हें ख़तरा है, तो उनके लिए उन्हीं के सेफ्टी में, उन्हीं के इलाके में ऐसी कोई ट्रेनिंग सेंटर IMI इंशाल्लाह बनाना चाहती है, जिससे कि वो आगे ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल कर सके, सिलाई कढ़ाई का काम सीख सकें, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। सुंदर, आप खुद भी तो स्टेट्स में पली बढ़ी हैं, यहाँ पर IMI ने आपकी किस तरह सपोर्ट की और क्या फैसिलिटीज़ हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, उस पर कुछ हमारे व्यूवर्स को अपडेट कीजिएगा। जी तो ये जो चीज़ें मैं बयान कर रही हूँ ये बहुत ही छोटी फहरिस्त है IMI के सारे खिदमात में, और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं न्यू जर्सी IMI के हेडक्वार्टर में मैं काम कर रही थी। मैं एक प्रोजेक्ट है IMI का नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जहाँ पे ये पूरी दुनिया से जो शिया मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो शिया प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको US में वो सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ आपको क्लिनिकल रोटेशन हो या अकोमोडेशन हो या एडवोकेसी हो, मतलब बहुत जिस स्टूडेंट की जो जरूरत है हमेशा जो IMI कोशिश करती है उस जरूरत को पूरी करे। और मैं खुद इसका हिस्सा रह चुकी हूँ इस प्रोजेक्ट का, और मैंने अपनी आंखों से राउंड द क्लॉक उस हेडक्वार्टर में जो है काम होते हुए देखा है। ठीक, सुंदर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और डेफिनेटली ये शिफा हज़ारा का टॉपिक इतना ड्रामेटिक, इतना टची है कि इस पर घंटों घंटों जो है वो बात की जा सकती है, और मेरे ख्याल में वहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जैसे कि सुंदर ने बताया कि IMI ने हज़ारा क्वेटा की जो हज़ारा के जनरली शियाज और क्वेटा में जो पूरी कम्युनिटी है उसके लिए बहुत काम किया है। ख़ासतौर पर जब अलमदार रोड का वाक़ हुआ था तो सकीना रिजवी जो हमारी वॉल्टियर है वो बाकायदा वहाँ गई थी, वहाँ लोगों से वो मिली थी, उनकी बातें उन्होंने सुनी थी और कोशिश ये की थी कि किस तरह वहाँ के लोगों को जो है वो मदद की जा सके। और ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस और बाकी जगह पे जाकर हमने बाकायदा IMI के लोगों ने पिटिशंस फाइल किए हैं, लोगों को बताया है कि इस कम्युनिटी के साथ कितनी प्रोसिक्यूशन हो रही है। तो नाज़रीन जैसे कि हम आपको प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद मौलाना शहशाह नकवी हमारे साथ होंगे और यकीनन आई एम श्योर आप सब उनको सुनना चाहेंगे, उनके पास कहने को भी बहुत कुछ होगा। लेकिन उसके जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कहते चलूँ शहशाह नकवी साहब के पास जाने से पहले कि ये सारे काम जो दुनिया भर में हम कर रहे हैं ये आपके ही ताउन से मुमकिन है। पहले दिन से 25 साल का ये सफ़र है। मैं तो बहुत कलील मुद्दत से IMI के साथ हूँ, लेकिन जो लोग पहले से रहे वो हमेशा बताते हैं कि जब जब कोई नेक ख्याल दिल में आया, कुछ नेक काम करने की ख्वाहिश हुई, तो ये आप जैसे जनरस डोनर्स ही थे जो सामने आए और मुश्किल हालात में आपने अपनी अतियात, अपने दुआओं, अपनी नेक तमन्नाओं के साथ जो है वो IMI की मदद की और ये कारवां जो है वो आगे बढ़ता चला गया। अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से अल्लामा शहशाह शहशाह नकवी साहब मेरे बहुत पसंदीदा हैं, उनसे हम बात करेंगे। शहशाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? जी सर, बहुत इश्तियाक था आपको लाइव लेने का। वैसे तो आपसे काफ़ी नशिस्तें हुई हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से भी आपसे इंटरव्यू किया, लेकिन आज लाइव टेलीथॉन में आपसे बात करने का जो है वो शर्फ हासिल हो रहा है। मौलाना साहब, आज हमने ये IMI की टेलीथॉन जो ऑर्गेनाइज़ कराई है, बुनियादी तौर पर हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि IMI दुनिया के 55 ममालिक में क्या खिदमत अंजाम दे रही है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बेसमेंट से शुरू हुआ था 25 साल कबल इसका सफ़र, और आज ये कारवां दुनिया के 55 ममालिक में फैल गया है। क्या कहेंगे आप सर? के लिए हज़रत मोहम्मद की पाक औलाद के दुश्मनों के लिए, मुसलमानों के दुश्मनों के लिए अल्लाह की लानत हो। मैं इस बात में पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आज इस फोरम पर, आज इस मुलाकात का जो जरिया आपको तय किया, और मैं फितरी और बाप की औलाद में और एक ऐसे दाया का और होता हूँ कि हमारे घर से फलाकानों की तस्वीर हमेशा लगी घर से की और मदरसों में भी, तो ये काम जो IMI का काम है और ख़ासतौर पर खिदमत का जो अंदाज IMI ने किया है, पूरी कैफियत दोहरा पहलू है और काबिल तारीफ दो ज़ावियों से तारीफ है, दो एतबार और दो वजह से तारीफ है। एक वजह तो और खासतौर पर अगर बदन की तकलीफ दूर होगी तो फिर आसाइश और अल्लाह की इबादत में भी दिल लगेगा। बीमार होता है, जो सेहतमंद होता है, लिहाजा मौलाना अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में और मुख्तलिफ अपनी दुआओं में जो एक दुआ का हिस्सा है, और अल्लाह खिदमत का जवाब रही, या अल्लाह मेरे बदन को मकबूल ठीक कर सको। बदन की तकलीफें हैं उन्हें दूर करने के लिए जो IMI का केंद्र है वो है, और उस जो पहलू की तारीफ का है वो ये है कि शनाख्त की खिदमत का। मैं थोड़ा सा मुतासिब साबित हुआ हूँ कि हम जो खिदमत करें तो हमें हम अपनी शनाख्त के साथ खिदमत अंजाम दें। हमारे हमारे भाई जमात इस्लामी के अपनी निशानियों के साथ अपनी तहरीक के लोग, जमात के लोग, हमारे सारे अजीज हैं, ये सब अपनी शनाख्तों के साथ, अपनी निशानियों के साथ माशरे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमें क्या परेशानी है कि हम अपनी अलामतों और निशानियों के साथ इस पाकिस्तान की ख़ुसूस तौर पर लोगों, दुनिया के इंसानों की इनके इदारे के साथ लगा हुआ है, वो काबिल तारीफ है। हमें से देखो जो हमसे हो सकता है कर सकता है, नाम में हमें हाजिर रहते हैं और हाजिर रहेंगे। और मैं मसला इतनी तफसील से बताने के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान में IMI के ताउन के साथ, पाकिस्तान के कुछ डॉक्टरों के साथ मैं ये प्रोजेक्ट करना है और एक बहुत बड़ा इदारा अपने जॉब से पहले नहीं था पाकिस्तान में, और मैं भी कर देता हूँ तफसील के मौके पर। लेकिन मैं हमारे साथ IMI आज अपने सुनने और देखने वालों को भी मैं अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि हमारे IMI के दोस्तों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मसीहों के साथ अपना माहिराना ताल्लुक, बाज़ औक़ात पैसा जो शायद पैसे से ज़्यादा अहमियत की हमेशा साहब, पाकिस्तान के हवाले से भी एक आईएमआई का जो फ्यूचर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो सादिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कराची में कायम की जाएगी। और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि तालीम शायद एक ऐसा शोबा है जिसमें अहले तशय्यो उस तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे जैसे हमें बढ़ना चाहिए था। मौलाना आबिद बिलग्रामी ने भी ये तस्करा किया था कि नासा हो गया या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वहाँ पर अली और हुसैन नाम के लोग कम दिखाई देते हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कि हम जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बात कर लेते हैं पहले, और हम कहते हैं पाकिस्तान 25% शिया हैं। ज़ियाउल ज़माने में जब हुई तो 18% कुछ आशारिया, 21% कुछ आशारिया, इस तरह से मरदमशुमारी में बगैर पाकिस्तान में शियों की मकदार में शियों की तादाद तो कुछ में पास हमारे भी मौजूद हैं, पाकिस्तान को भी शामिल कर कह लीजिए कि 20% पाकिस्तान में कहते हैं कि कम ज्यादा मतलब हम 20% मान लेते हैं। तो 20% है क्या वो मेडिकल की दुनिया में 20% है? क्या दुनिया में पाकिस्तान में 20% है? क्या तादाद 20%? क्या पाकिस्तान की खिदमत अंजाम देने की खिदमत अंजाम देने में भी आपको मैदान में 20% होना चाहिए। आज मैदानों में तो आप दौड़ में शामिल नहीं, आप मुकाबले में शामिल नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी इसके अंदर जब 100 उम्मीदवारों का मुताबिक हो रहा है तो उसमें हमारी मेरी अपनी की शोबे हैं, मेरे दीन के शोबे हैं, वहाँ भी हमारी तादाद हमारे मदरसों का हाल भी बहुत अच्छा एक साथ में मुकाबला और इल्मी दौड़ में और शादी दौड़ में हम कितना है? तो हम 20% हैं, तो फिर शनाख्त में 20% ना हो, हम हर मैदान में 20% लगता है जैसे सब हिंदू ईसाई में नहीं, आप 20% हमें हर मैदान में 20% होना चाहिए, 25% होना चाहिए। हम नहीं है मैदानों में शामिल नहीं है, नहीं है। हम माजी इस पर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई काम हुआ, मैं खुद छोटा सा वर्कर हूँ, छोटा सा कारकुन हूँ अपनी कौम का, मैं छोटा सा चला रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल के और स्कूल के हवाले से, तालीम एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से। लेकिन जितना है, जितनी हमारे पास वसाइल है उसका कुछ 5% भी हम इस्तेमाल हमारे यहाँ से है बेहसी एक कमजोरी है, इसको दूर करना इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मेरे ख्याल में कुछ इंटरनेट का मसला है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हमें क्लियर नहीं आ सकी, लेकिन आपने इतनी रात गए हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह टेलीथॉन्स का सिलसिला जो है जारी रहेगा और व्यूवर्स आने वाले दिनों में भी शिफा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह मज़ीद लोगों को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे। अब तक तो व्यूवर्स हमने आपको बताया कि हम माजी में क्या काम करते रहे हैं, लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे प्रोग्राम का वो ये है कि फ्यूचर में हमारे स्टेप्स क्या हैं। हमारे कौम की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, लोग हमारे तशय्यो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद हमारे तशय्यो की है, और उनके हवाले से क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, इस पर हम बात करेंगे। शिफा, गलबन हमारे पास जो अगले गेस्ट है अगर उनका आप तारुफ कराती चलें। जी बिल्कुल। नेक्स्ट अप वी हैव Mr. Wazarat Rizvi. He is the CEO of International Health Initiative. It is the wholly owned subsidiary of IMI. It's made up of a board of directors who run the Dream Project, ranging from a variety of business backgrounds. चलें हम वज़ारत रिज़वी साहब से बात करेंगे जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वज़ारत साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके सर? वालेकुम सलाम जी। वज़ारत अंकल, हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि अब हमने अब तक का जो सफ़र किया बड़ा काबिल सताइश है, लोगों ने मदद भी की, लोगों ने सराहा भी, लेकिन अब चैलेंजेस बड़े हैं तो मैंने सुना है कि प्रोजेक्ट्स भी बड़े हो रहे हैं, तो उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को आप क्या अपडेट करेंगे? ड्रीम प्रोजेक्ट के सिलसिले में IMI ने काफ़ी अरसे पहले, तकरीबन 7-8 साल पहले ये डिसाइड किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि IMI शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग। हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ज़्यादातर, आई वुड से 99.9%, वो डोनेशन बेस्ड हैं। IMI ये चाहती है कि ये डोनेशन का जो रेवेन्यू जनरेशन है इससे हट के कोई काम किया जाए कि जिसमें कि सेल्फ सस्टेनिंग एबिलिटी पैदा हो जाए IMI में। इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट जिसका कि डॉक्टर मुबारक नकवी ने भी जिक्र किया, फरहीन फहीम ने और हुमा ने, डॉक्टर हुमा नकवी ने जिक्र किया, ये तमाम चीज़ें जो हैं पॉसिबल हैं। इसके लिए फंडिंग चाहिए और फंडिंग का एक रेगुलर सोर्स जो है वो इस्टेब्लिश करने में के वजह से ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें तकरीबन 30 एकर्स की कमर्शियल लैंड ली है रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में, जिस पे ओरिजिनली कर्जा था 1.9 मिलियन डॉलर्स का, बाकी उस वक्त की फंड रेजिंग से पेमेंट हुआ था। इस वक्त तकरीबन 900,000 डॉलर्स बाकी हैं जो लोगों ने जो कर्जे दिए थे उनको वापस करने हैं। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन वंस इट इज़ कंप्लीटेड यू आर लुकिंग एट अबाउट एनीवेयर बिटवीन 50 and 60 million dollars वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट। वी आर लुकिंग एट व्हाट वी कॉल एन इंटेंशनल कम्युनिटी of CCRC. CCRC है Continuing Care Retirement Community. That will include senior housing, that will include assisted living facility, it will include skilled nursing facility, inpatient rehab, and of course the global headquarters of Imamia Medics International, including the convention center and the library, etc. टोटल में तकरीबन 260,000-270,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एनविजन किया है इस वक्त। इस प्रोजेक्ट से IMI विल बी एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कंटिन्यू देयर प्रोजेक्ट्स द वे दे वांट टू विदाउट रिलाइंग टू हैवीली ऑन द डोनेशन aspect of it. In terms of it will also have the head office for your हो, हमें हर वक्त डोनेशन की जरूरत ना हो, बल्कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करें जो खुद अपना खर्चा पूरा कर सकें। ये सिर्फ अपना खर्चा पूरा नहीं करेंगे बल्कि आपको सरप्लस देंगे। सरप्लस देने से ये होगा कि जो प्रोजेक्ट्स IMI के पाइपलाइन में हैं इस वक्त, उनकी फंडिंग का सोर्स एक निकल आएगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हम आपको सुन सकते हैं, आप बोलिए प्लीज़। नहीं, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, आप बिल्कुल, मेरा सवाल यही था। इसमें ज़्यादा देखिए चीज़ क्या है कि इतने काफ़ी हद तक हम लोग जो नॉर्थ अमेरिका आए 50 साल पहले, हम लोगों के अपने एक विजन था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि अब इतने इमाम बारगाह, इतने स्कूल, आहिस्ता आहिस्ता स्कूल भी बनना शुरू हो रहे हैं। अब आपको फंडिंग के लिए डोनर पूल आपका वही है, यू गॉट टू हैव सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट्स, और ड्रीम प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ दोज। And what really the community should look at is what they like about IMI and how they would like to help IMI in this regard. गुजारकर बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि शिफा अब तक तो जो सफ़र था वो हुआ, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि कम्युनिटी बढ़ रही है, एक नई जनरेशन आ रही है, तो उस जनरेशन के तकाजे भी ज़्यादा हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आगे नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। शिफा वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं रह गया व्यूअर्स, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकें। शिफा हमारे अगले मेहमान कौन है आज? यस, सो नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर शबी जैदी, ही इज़ द चांसलर ऑफ सादिक इंटरनेशनल University. Dr. Shabi Zaidi is also a key stalwart, one of the first few global presidents of IMI. SIU is Sadiq International University. It comprises of, inshallah, will establish medical college, nursing school, pharmacy, dentistry, all within the great nation of Pakistan. We'll also have already established Sadiq International Virtual University, which has a whole international faculty. We run webinars on medical education, clinical education every Saturday morning. So to check that out, please visit the IMI website. And now let's speak to Dr. Shabi. जी हाँ, डॉक्टर शबी जो हमारे साथ मौजूद हैं और यूके से, और वो इस प्रोजेक्ट के रुए रवा हैं। शबी अंकल अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, बड़ा लाजवाब काम कर रहे हैं भाई आप। बड़े दिल की ख्वाहिश थी कि अपना एक टेलीविजन स्टेशन हो। एक ज़माने में अलबाद टीवी से किसी तरह से प्रोग्राम शुरू किए थे, अल्लाह आपको मुबारक करे और तरक्की दे। जी सर, ये बिल्कुल आपने खूबसूरत बात कही। हम हैदर टीवी और कायम टीवी के दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें प्लेटफॉर्म दिया। इंशाल्लाह आगे भी उनके साथ ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। डॉक्टर शबी, ये बताइएगा कि सादिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप कराची में, ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वहाँ क़याम कर रहे हैं। कुछ तफसीलात बताइए, ये नेक ख्याल कैसे आया और इस प्रोजेक्ट से क्या फ़वायद होंगे कम्यूनिटी को? देखिए, ये ख्वाब तो बहुत पुराना है और बरसों से लोग देख रहे थे, लेकिन ये 4-5 साल पहले नजफ़ में हमारी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मुझे वजी ने कहा कि इस पे काम करें। हसन मेहदी एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस पे बहुत काम किया हुआ था, मुझे एक फ़ाइल दी। मेरा चूँकि बहुत अरसे से, तकरीबन 50-60 बरस से तालीम से रब्ता रहा है, एज शागिर्द, उस्ताद वगैरह वगैरह, तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन पिछले साल दिसंबर में जब कराची में सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ ही हमने ऐलान किया कि हम सादिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का क़याम पाकिस्तान में करेंगे। तय ये हुआ था कि कराची में गवर्नर सिंध से हमने दरख्वास्त की थी कि हमें 100 एकड़ ज़मीन दे दें। इसका उन्होंने वादा भी किया है और अब चूँकि हमारे साथ क़िबला शहशाह नक़वी साहब भी शामिल हो गए, तो और उम्मीद हमारी इस पर यकीनन और इम्कान है कि बहुत जल्दी वो ज़मीन मिल जाएगी। इस दौरान हमने लाहौर में भाग दौड़ की और लाहौर में हमें एक जगह मिल गई, तो हमने इस पर काम करना शुरू किया, उसके नक्शे तैयार हो गए वगैरह वगैरह। फिर वो 18th अमेंडमेंट एक रूल है पाकिस्तान में, उसने हमें थोड़ा वहाँ ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो हायर एजुकेशन कमीशन हमें चार्टर नहीं दे रहा था। हम कराची की तरफ आ गए। कराची में बाकर एजुकेशन ट्रस्ट हमारे गज़नफ़र तक़वी और हुसैन भाई हमारे दोस्त हैं IMI के, इन्होंने कायम किया था। मैं भी उसमें ट्रस्टी हूँ, इनिशिएट मैंने किया था। मेरे एक दोस्त हैं आबिद जैदी साहब जो अमेरिका में हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा था पाकिस्तान में। उन्होंने 2 प्लॉट्स एम्यूनिटी के मुझे दिए थे 25 साल पहले, वो मैंने अपने बाकर एजुकेशन ट्रस्ट को दिए और IMI के साथ कोलैबोरेट करके एक हमने MOU साइन किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी हो जाएगा, उसके नक्शे भी तैयार हो गए। तकरीबन 500 बेड्स का वो हॉस्पिटल होगा जो मेडिकल कॉलेज होगा कराची में, गुलिस्तान जौहर यानी कराची यूनिवर्सिटी से तकरीबन 3 या 4-5 मील के फासले पर। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल के साथ मेडिकल स्कूल होगा, डेंटल स्कूल होगा, फार्मेसी वगैरह सारी चीज़ें, पूरा एक जो कॉम्प्लेक्स होता है मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब इसमें 2 बातें और हैं, एक तो ये कि हम कराची में बना ही रहे हैं, लाहौर में हमारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन इसके अलावा छोटे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो IMI रन कर रही है। मसलन खानेवाल में, चकवाल में, गिलगित में, बल्तिस्तान में, खैरपुर में, नवाब और अल्लामा शहशाह नकवी साहब के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनके चल रहे हैं, जिनसे हम रिक्वेस्ट करें कि उसमें सब में शामिल करके सादिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फ्लैग के अंदर ये सब शामिल हो जाए, तो हमारा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इस सब की मदरशिप जो है, मुख्तसर है, काफी गेस्ट को प्रोग्राम में शामिल करना है, तो मैं आपको कतल कलामी कर रहा हूँ, माजरत उसका। आखिरी अल्फाज मुख्तसर बता दीजिएगा, इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है और इससे कम्युनिटी को क्या फायदा हो सकता है? सबसे बड़ा तो यह है, हर इंसान ने ये कहा कि देखिए खिदमत तो हम कर रहे हैं तिब के लिहाज से, लेकिन तालीम का जो एक बहुत बड़ा हमारे पास पोटेंशियल है वो पूरा नहीं हो रहा था। आई एम आई पास ह्यूज पोटेंशियल, तालीम को हम आम करते जाएंगे। और ये सिर्फ कम्युनिटीज़ के लिए नहीं है, अक्रॉस द जोग्राफिकल बॉर्डर्स, जैसे शिफा ने कहा ऑनलाइन एजुकेशन एक्टिविटीज़ में शुरू की हैं, तकरीबन 23 मुल्कों से लोग उसमें शामिल होते हैं। और हमारे पास 1200 से 1400 प्रोफेसर्स, डीन्स, वाइस चांसलर्स, scholarly people, they join us every Saturday for these webinars and workshops. So it's immense knowledge. The potential is just open. We're just beginning to see the fountain flood. And soon you will see that knowledge will become absolutely amazing. IMI can serve properly, not only through health services, but also through education. And the objective is very simple. आपने बड़े मुख्तसर वक्त में पूरी मुफस्सल तस्वीर जो है हमारे सामने जो है वो पेश की। और शिफा, बड़ी खुशी हुई है सुन के कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सादिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी जो कि मेरी मादर इल्मी भी है उसके बिल्कुल सामने बनेगी। आप, मुझे नहीं पता शिफा आप एरिया से वाकिफ़ हैं या नहीं, लेकिन बड़ी प्राइम लोकेशन है और एजुकेशन हब भी है पाकिस्तान का। NED यूनिवर्सिटी है, उस्मान इंस्टीट्यूट से पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, कभी मैं आपको लेके चलूँगा और मस्जिद की कैंटीन में भी आपको लेके चलूँगा चाय पिलाने के लिए। तो व्यूअर्स, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी तेज़ी से IMI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता सकें, तो हमारी कोशिश है। और साथ ही आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि अगर आपको हमारे प्रोजेक्ट्स जो आप देख रहे हैं आप इससे मुतासर होते हैं, आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स वर्थवाइल हैं, तो आप बड़ी मेहनत से दियार गैर में डॉलर्स कमाते हैं और बड़ी मेहनत से यहाँ काम करते हैं, तो हमें खुशी होगी कि आप अपने कमाई में से इन प्रोजेक्ट्स को चाहे फंड करें, हमारा साथ दें कार खैर के इस काम में। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम टोरंटो में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं और दुनिया भर में, तो हमने शिफा बता दिया कि IMI क्या कर रहा है, कनाडा में IMI क्या क्या मसरूफियात हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं IMI कनाडा के प्रेसिडेंट डॉक्टर यासिर। डॉक्टर यासिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम अशर एंड डॉक्टर यासिर, कैन यू हियर मी? शिफा आई कैन हेयर यू। जी डॉक्टर साहब, माजरत बहुत देर से आपको हम होल्ड पे रखे थे, लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, ये तो हमारा होम टर्फ है जहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं। दुनिया भर पे नज़र डाली कि IMI के क्या फलाही प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कनाडा में हमारी क्या खिदमात है सर, उस पर अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम अशर एंड शिफा, माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड थैंक यू टू काइम TV एंड हैदर TV। मेरा नाम डॉक्टर सैयद यासिर हैदर है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ टोरंटो में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कनाडा में IMI 2010 से काम शुरू किए हुए है और 2014 में हमें यहाँ का जो रेवेन्यू कनाडा के साथ चैरिटी स्टेटस मिल गया। और उसका मतलब ये है कि जो भी कैनेडियंस डोनेट करते हैं IMI कनाडा को, वो टैक्स डिडक्टेबल है और उसकी टैक्स की रसीद दी जाती है। बाकी जो आपका सवाल रहा कि IMI कनाडा की क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो शुरू से IMI कनाडा IMI हेडक्वार्टर को सपोर्ट करता रहा है अरबाइन कैंप में, हज मिशन के अंदर, और अब हमने माशाल्लाह और भी स्टेप आगे लिए हैं जिसमें हमने IMI का नर्सिंग और पैरा प्रोफेशनल विंग बनाया है। और उसके साथ हमने एक 1-800 नंबर जो है वो जारी किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, जो कि मैं आपकी तवसत से अपनी सारी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि है 1-800-549-1007। अगर किसी भी अपने कम्युनिटी के मेंबर को, और कम्युनिटी के मेंबर ना भी हो, किसी भी कनेडियन को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, अगर उनके पास OHIP कवरेज नहीं है, तो हमारे डॉक्टर्स उनको गाइड करने और हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो उसके अलावा हमारा जो कोविड का ये सिचुएशन जा रहा है, उसमें IMI ने बहुत जल्दी लीड ली और अपनी कम्युनिटी के थ्रू मास्क और PPE डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की लास्ट मार्च में, मुहर्रम के दौरान, रमज़ान के दौरान। सो ये एक्टिविटीज़ हमारी जारी रहीं और जारी रहेंगी। उसके अलावा हमने वेबिनार्स का किस्सा हाई स्कूल, स्कूल और उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट, उसके बाद हायर एजुकेशन लेवल पे शुरू किया हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि IMI हेडक्वार्टर को जितना भी सपोर्ट कर सकें हम करें। और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा सब लोगों से जो सुन रहे हैं कि IMI आपको, जैसे कि सब ने बताया कि कम से कम 50 मुल्कों के अंदर कितने बड़े आज़मों में काम कर रही है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरीके से IMI का हेडक्वार्टर रन हो रहा था और हो रहा है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये छोटे से 2 कमरों के अंदर ये प्रोजेक्ट जो हैं शुरू किए गए और होते रहे हैं। और माशाल्लाह हम, जैसे खानम तैयबा बुखारी ने कहा कि अब एक दाना बोएंगे तो उसमें सैकड़ों दाने निकलेंगे, तो हम शिया डॉक्टर भी ऐसे ही हैं कि जब हमें निशाना बनाया गया और हमें दफनाने की कोशिश की गई तो हम भी 100 दाने बन के निकले दुनिया में हर जगह पे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये IMI का बहुत दरीना एक ख्वाहिश थी और अब ये टाइम है कि IMI जो है वो बजाय 2 कमरों से निकल के एक प्रॉपर हेडक्वार्टर जिसमें कि हमारी बाकी भी चीज़ें जो कि हमारे बुजुर्गों ने भी जिक्र किया वो उसमें हो, इसमें TV हो, यूनिवर्सिटी हो, ओल्ड पीपल होम हो, नर्सिंग होम हो। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम हजरात से जो सुन रहे हैं कि प्लीज़ डोनेट कीजिए और आपको टैक्स रसीद भी मिलेगी जिसमें आपकी टैक्स डिडक्शन भी है। तो मैं ये सिर्फ गुजारिश करना चाहता था। थैंक यू, शुक्रिया सबका। और बहुत कम है और हमें कुछ और मेहमानों को अपने प्रोग्राम में शामिल करना और जैसा कि डॉक्टर यासिर ने आपने देखा उन्होंने भी अपील की कि सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया और साथ ही ये गुजारिश भी की गई कि ये सारे काम जो हैं ये आपकी मदद के बगैर करना नामुमकिन है। शिफा, अगले गेस्ट का आप तारुफ करा सकें? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर यासिर हैदर फॉर ऑल द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग इन IMI Canada। वी आल्सो लाइक टू इनवाइट अनदर मेंबर ऑफ IMI Canada's board of directors, Dr. Naveed Sayed, who most of you may know as the inventor of the neurochip and the award winner of the Tamgha Imtiaz in of Pakistan. So we would just like to invite him over and speak to him. The other point that Dr. Yasser touched upon and that is vitally important to understand about the IMI Dream Project is that inshallah IMI has been working for the last 25 years and will continue to work for the next 25 and beyond. What it is important is that Shifa mein khabir Dr. Naveed hamare sath ab line par maujood hai। Doctor sahab assalam alaikum, kaise mizaaj hain आपके? कैसे मिजाज है जी डॉक्टर साहब? जो आपने काम किया है, मुझ जैसा कम इल्म आदमी तो उसको समझने में उसकी जिंदगी गुजर जाए, लेकिन माशाल्लाह अब तो आप हमारी कम्युनिटी में बल्कि वर्ल्ड ओवर एक सेलिब्रिटी बन गए सर। अरे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तुबू अलैह। देखें हमारा प्राइड तो आप लोग हैं, आप अशर भाई और शिफा जो जिस तरह से आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप हमारे लिए समझ लीजिए कि कौम का प्राइड भी है, हमारा फ्यूचर भी है। अल्लाह आपको अच्छा रखे और आपको इसी तरह से जो है कौम की खिदमत करने का जज्बा अता करता रहे। मैं बहुत काइम TV का भी और हैदर TV का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि देखिए कौमें जो हैं वो रब से ही बनती हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। जी तो डॉक्टर साहब अभी हम जो अब मुख्तसर वक्त रह गया उसमें बहुत सारी चीज़ें रैप अप करनी हैं। आप एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बात हम बार बार कंसिडर कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं कि एजुकेशन की जितनी इंपॉर्टेंस हमारी कम्युनिटी में होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। आप तो कनाडा के एलीट साइंटिस्ट में से हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए हमारी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हमारे यहाँ देखिए तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, यानी खिलकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिर तक। और मासूमी ने भी हमें बार बार, कुरान भी बार बार कहता है तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते, और अल्लाह कुरान में भी कहता है कि ऐसे तफक्कुर नहीं करते रोज़े महशर वो उनको नाबीना महशूर किया जाएगा। तो वो अल्लाह से कहेंगे कि हमें तुमने दुनिया में तो आंखें दी थी, तूने हमें यहाँ क्यों अंधा महसूस किया? तो अल्लाह यही कहेगा कि मैंने जो तुम्हारे लिए निशानियां पैदा की थी, तुम्हारे सामने प्रेजेंट की थी, तुमने उन पे गौर और तफक्कुर नहीं किया, उन पे तुमने इल्म उनसे हासिल नहीं किया, तो अब यह है कि मैशर में मेरे उनसे तो महरूम रहेंगे। देखिए हमारे अंदर सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है, मौला ने यही कहा कि ऐसे लोग जो तालीम से महरूम हैं और यानी एजुकेशन में नहीं जाते वो बिल्कुल चलती फिरती जिंदा लाशें हैं। दे आर ओनली रियली दी ज़ॉम्बीज़, नथिंग मोर देन दैट। मौला से किसी ने यही पूछा था कि मौला मैं ज्यादा से ज्यादा कितना इल्म हासिल करूं, आपने कहा कम से कम इतना कि तुझे अपनी जहालत का एहसास हो जाए। तो इल्म की मौला ने वहां पे भी देखिए कोई लिमिट नहीं रखी। तो देखिए सबसे अहम चीज़ यह है, हमारी पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने कुरान की तालीमात को और मासूमीन की तालीमात को कि जब आपके लिए तालीम के लिए कोई आपको यानी लिमिट नहीं थी, हमने अपने आप को लिमिट में लेकर आ गए। तो ये देखिए जो IMI की एफर्ट्स हैं, मैं इसको ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे ख़ास तौर पर यासर भाई ने कनाडा में जो अब ये तहरीक चलाई है कि हमें एजुकेशनल सिस्टम प्रमोशन अपने यूथ में, यंगस्टर्स में हम उनको इनकरेज करें ताकि वो हमारे जो ह्यूज एजुकेशन का गैप है तालीम का जो फुकदान है उसको किसी तरह से पूरा कर सकें कि दामन वक्त में अब गुंजाइश बहुत कम है। शिफा, हमने बहुत बातें की, लोगों ने ड्रीम प्रोजेक्ट के हवाले से बात की, तो सबसे पहले तो हम लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। उसकी एक वीडियो भी हमारे पास है जो हम रन करेंगे और वीडियो दिखाने के बाद हम इन्वाइट करेंगे IMI के फाउंडर, IMI के रूए रवा, जिन हजरत का ये ख्याल था, उनका ये आइडिया था कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। उस पर हम डॉक्टर वजीर रिजवी जो कि IMI के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, उनसे हम आपसे बात कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं ड्रीम प्रोजेक्ट की, ये ड्रीम प्रोजेक्ट दरअसल है क्या? शिफा, ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में आप मुख्तसर से बताते चले, उसका हम वीडियो दिखाएंगे। Definitely. So the dream project, as Mr. Wazarat Rizvi mentioned earlier, is that that goal to make IMI fully self-sufficient, to allow for income and employment generating and investment generating projects, to fund our current projects and allow for IMI to continue on its trajectory. So Shifa, हम सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या, और उसके बाद डॉक्टर वजीर रिजवी को जहमत देंगे। दुनिया के तेजी से बदलते हालात और नए दौर के चैलेंजेस को सामने रखते हुए IMI अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का आगाज कर रहा है। अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी में एक ऐसा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जो कम्युनिटी की जरूरियात को समझते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा असिस्टेंस लिविंग है, जो उन बुजुर्ग अफराद के लिए तैयार किया जा रहा है जिन्होंने हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। जदीद सहूलियात से आरास्ता इस सेंटर में मौमर अफराद को उनकी सखाफत, मजहब और रस्म रिवाज के मुताबिक वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, इस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ सर्विसेज भी फराहम की जाएंगी जिससे हजारों रजाकारों, तलबा और स्किल्ड अफराद को रोजगार भी मिलेगा। IMI का ये प्रोजेक्ट एक खुद कफील मॉडल है जो अपने इखराजात पूरे करने के साथ साथ आमदनी में इजाफे का भी सबब बनेगा। इमामिया मेडिक्स का नजरिया सीखने और सिखाने से जुड़ा है, इसीलिए बहुत जल्द इमामिया टेलीविजन नेटवर्क को लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर न सिर्फ साइंसी और मजहबी बल्कि जदीद लाइफस्टाइल, तालीम और सेहत और नौजवानों से मुतालिक खुसूसी नशरियात पेश की जाएंगी। आपने वीडियो देखी नाज़रीन कि इसमें क्या क्या हम ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मुस्तकबिल में हमने क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, और जैसे कि अब दुनिया बदल रही है, कोविड के बाद क्या दुनिया में सूरत हाल होती है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन नए चैलेंजेस से निवरदाफजा होने के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, ये किसका आइडिया, इसकी क्या जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। न्यू जर्सी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम सलाम Ashur and Shafaat, pretty good, thank you. डॉक्टर साहब, गुड टू हैव यू। बड़ा इंतजार कराया आपने, हम तो बहुत देर से मुंतज़िर से आपसे बात करने के लिए। आपने गुज़िश्ता ढाई घंटे की गुफ्तगू सुनी होगी, हमारे नाजरीन ने भी हैदर TV और कायम TV के ताउन से पूरी दुनिया में ट्रांसमिशन सुनी, और हमने बार बार एक लफ्ज़ सुना ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट। सर, ये ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, मुख्तसर बताइए, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? थैंक यू अशर। ड्रीम प्रोजेक्ट एक बहुत ही मुनफरद प्रोजेक्ट है, ये बहुत एक यूनिक प्रोजेक्ट है। अगर हम अपनी तारीख पे नज़र करें तो सन 50 की दहाई से जब यहाँ पे माइग्रेशन शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम्युनिटीज़ ने, हमारी फैमिलीज़ ने, हमारे इंडिविजुअल्स ने अपने को यहाँ इस्टेब्लिश करना शुरू किया बर-ए-आज़म शुमाली अमरीका में। और एक वो भी वक्त था जब लोग घंटों के सफर के बाद एक मजलिस हुसैन में शिरकत कर पाते थे। अब आज उन्हीं शहरों में 8-8, 10-10 और 12-12 इमाम बारगाहें मौजूद हैं माशाल्लाह। तो इस बर-ए-आज़म के तूल अर्ज़ में हमने अपने मराकज़ बनाए और हमने कुछ स्कूल भी लगाए। और अब ज़रूरत इस बात की है, इस पिछले 70 साल तजुर्बे के बाद, कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करें जो एक तरफ, जैसा कि पहले कहा गया, कि एक इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाएं ताकि हमारी तंजीमें जो मुख्तलिफ हवालों से हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर और यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के लिए और पूरी दुनिया में कायम हैं, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन शुरू हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग हो। तो इस प्रोजेक्ट की जो कुछ खसूसियात हैं वो ये हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जनरेटिंग प्रोजेक्ट है, ये इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोजेक्ट है, जो IMI को इस काबिल करेगा कि वो न सिर्फ अभी 55 और 70 प्रोजेक्ट्स जिसमें वो इन्वॉल्व है, न सिर्फ उन बल्कि और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो दुनिया भर में इसकी वजह से कायम हो सकेंगे। मसलन कितने ही स्कूल्स, कितनी ही यूनिवर्सिटीज़, कितने ही हॉस्पिटल्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इसकी आमदनी से कायम किए जा सकेंगे, कितने ही स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के मौके प्रोवाइड हो सकेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर में काम कर रही हैं, न सिर्फ शुमाली अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में, वो सब आएँ, हमारे साथ हमकारी करें और हम उन बुनियादों पे काम करें जिससे 21वीं सदी के चैलेंजेस को कमाहू उसको मीट किया जा सके और एक नए से कौम की मनसूबाबंदी हो। मगर अफसोस है कि कुछ लोग अभी भी 1952 के टाइम फ्रेम में खड़े हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। आज ज़रूरत इस अमर की है कि नए अंदाज से और नई फिक्र के साथ कौम को तालीमी और समाजी और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स के लिए और फिर साथ में एडवोकेसी के लिए, ये चार फोकस हैं IMI के, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर एंड एडवोकेसी। और इन्हीं में हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को दावत देते हैं कि वो आए, हमारे साथ हमकारी करें और कौम की एक मजबूत और ठोस प्लानिंग करें ताकि ये उस पर काम आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि ये सोसाइटी में एक बहुत अनमेट नीड को पूरा करता है प्रोजेक्ट। यहाँ पर हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने अपने इस तर्ज के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मसलन इस 30 एकड़ ज़मीन में एक असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी है जो तकरीबन 100 बेडेड फैसिलिटी होगी, फिर सीनियर लिविंग है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। हमारे यहाँ चूँकि अब यहाँ 5वीं नस्ल परवान चढ़ रही है, तो वो बुज़ुर्ग अफराद जो घर में रह गए, और हमने यहाँ सर्वे किया न्यू जर्सी में, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और जिन जिन घरों से हमें सर्वे मौसूल हुए और बड़ी तादाद में, उन सब ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो घर में हैं और यंग लोग जो हैं प्रोफेशनल अपने या तालीम की वजह से या जॉब्स की वजह से घरों से बाहर हैं। तो ऐसे अफराद का, ऐसे मुअम्मर अफराद का घर में रह जाना बाज़ दफ़ा बड़ा रिस्की रहता है। वो गिर जाएं तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी जो है वो पूरी कौम के लिए एक अनमेट नीड प्रोवाइड करती है सोसाइटी में। इरादा ये भी है कि जब ये प्रोजेक्ट्स अपने पैर पर खड़े होंगे तो अमेरिका के दीगर शहरों में, नॉर्थ अमेरिका के दीगर शहरों में और फिर दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएँ। यही नहीं कि इसमें असिस्टेड लिविंग है और इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर है। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस विद IMI हेडक्वार्टर्स इज आल्सो अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर, जिसमें हमारे कौम के नौजवान, हमारे कौम के इंटेलिजेंशिया, एकेडमिया उसमें रिसर्च के एवेन्यूज़ को खोलेगी और यंग और ओल्ड लोग मिल के उसके अंदर रिसर्च का काम करेंगे। एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, ऑडिटोरियम होगा। इसी में जैसे शबी भाई ने भी इजहार किया कि इमामिया टेलीविजन नेटवर्क अपना स्टूडियो होगा और उसमें मेयारी काम किया जाएगा, जिससे राय आमा भी हमवार की जा सके। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको सिर्फ एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा और मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर आप ड्रीम प्रोजेक्ट के हवाले से डॉक्टर वजीर रिजवी से कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल भी कर सकते हैं, और आप हमारी इसमें कोई मदद करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो उसको भी हम वेलकम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इफ़ यू कैन कैरी ऑन। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए, और ख्वाब भी बहुत तरह के होते हैं, ख्वाब परेशान भी होते हैं, मगर ये ख्वाब दरख्शां है। और हम उम्मीद करते हैं कि कौम के अफराद इस ख्वाब दरख्शां में शामिल होंगे और उम्मीद मुस्तकबिल का सहारा बनेंगे। ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है कि उसके बारे में अगर आप तफसील से देखें, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि न्यू जर्सी आप तशरीफ लाएं तो यहाँ IMI हेडकोार्टर्स आइए। ये करंट हेडकोार्टर से 10 मिनट के फासले पे है और बहुत ही स्ट्रेटिजिक लोकेशन पे है। इससे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 40 मिनट पे हमारी मुख्तलिफ इमाम बारगाहें हैं। तो इट इज़ इन द सेंट्रल जर्सी एरिया, इट्स अ 30-acre लैंड एट अ वेरी स्ट्रेटिजिक एरिया ऑन रूट 30, इंटरसेक्शन ऑफ रूट 33 एंड 130, and it's the largest piece of land between Philadelphia and New York on this route. डॉक्टर साहब, जब आपने और दीगर लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट की कुछ साइलेंट फीचर्स को हाईलाइट किया तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी देखने में आई थी कि हमारे कम्युनिटी के अब जो लोग ज़्यादातर काम करते हैं उनके वालदैन घरों पर अकेले रहते हैं, उनका एक बड़ा मसला होता है। उन वालदैन की भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो कहाँ जाएँ, उनके पास कोई इतना होता नहीं, बच्चे टाइम नहीं दे पाते। तो इस प्रोजेक्ट में उन लोगों के लिए आपने क्या सोल्यूशन निकाला है? ये उन्हीं लोगों की जो नीड्स हैं, देखिए आखिर वक्त में हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जब बुजुर्गों को दीगर नर्सिंग होम्स में दाखिल किया जाता है तो हलाल हराम का चक्कर हो जाता है, नजस पाक तहारत का इशू आता है। तो इस फैसिलिटी में कल्चर स्पेसिफिक एंड फेथ स्पेसिफिक नीड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो एक तरफ जैसे मैंने कहा कि ये अनमेट नीड्स को पूरा करेगा, स्पेशली बुजुर्गों के लिए, मुअम्मर अफराद के लिए, और ये पूरी कम्युनिटी के लिए ओपन होगा। इट इज़ नॉट जस्ट स्पेसिफिक फॉर आवर ओन कम्युनिटी बिकॉज इट्स अ बिजनेस वेंचर, लेकिन हमारे अपने पेशेंट्स के लिए, अफराद के लिए उसमें सेक्शंस होंगे। और इंशाल्लाह ये भी प्लानिंग है कि वो अफराद जो अफोर्ड ना कर सकें या जिनकी इंश्योरेंसेस ना इस काबिल हों तो एक प्रॉपर फंड बनाया जाएगा ताकि वो अफराद भी उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके जो इसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते हों। मीडिया एक पावर है, उसकी अफादियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम खुद हैदर टीवी और कायम टीवी के प्लेटफॉर्म पर इन लोगों ने ज़बरदस्त काम किया है गुज़िश्ता चंद सालों में आज़ादारी को प्रमोट करने के लिए। आप IMI भी क्या इस जानिब देख रहा है, सोच रहा है? जी हाँ, ये एक बहुत पुराना ख्वाब है, ये भी इमामिया टेलीविजन नेटवर्क, और मैं आपको और शिफा को और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपने पिछले 3 साल में IMI के बेशुमार प्रोजेक्ट्स का दौरा किया, वहाँ की वीडियोस बनाई और उसको डिसेमिनेट किया गया पूरी दुनिया में। तो पिछले 3 सालों में जो नो हाउ है अबाउट IMI एंड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन, वो उसको उसके डिसेमिनेशन में बहुत मदद मिली है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए IMI Academic Council, IMI Women Wing, IMI Global Board of Regents, Board of Directors, उन सब के फैसले के मुताबिक इंशाल्लाह इमामिया टेलीविजन नेटवर्क की बुनियाद रखी जा रही है, जिसको कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे इंशाल्लाह। और इमामिया टेलीविजन नेटवर्क के स्टूडियोज़ भी यहीं ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में यहाँ होंगे, alongside the smart classrooms for the Sadiq International Virtual University. ये सारी बातें बता रहे हैं तो मुझ जैसा एक लेमैन जब ये सुनता है तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन साथ ही ये थोड़ा सा खौफ भी आता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने कांधों पे ले ली है और डेफिनेटली इसमें बेइंतहा फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे। उस हवाले से क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए कतरा कतरा जो है वो दरिया बन जाता है और फिर दरिया जो है समंदर बन जाते हैं। इमाम के मानने वालों के लिए ये प्रोजेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, ये इतना गंभीर नहीं है। और अगर ये गंभीर भी हो तो ये फिर कुर्बानी मांगता है। कोई भी काम एक ईसार के बगैर मुमकिन नहीं होता। और अगर हमें आगे बढ़ना है और अगली सदी के चैलेंजेस को मीट करना है और कौम को उसके पैर पे खड़ा करना है तो कौम को इमाम के नाम पे आगे आना होगा ईसार और कुर्बानी के जज्बे के साथ। और हमें अपने आंसुओं को, हमें अपनी जो मोहब्बत आले मोहम्मद है उसको अमली तौर से उसकी तस्वीर जो है पेश करनी होगी ताकि एक तरफ हमारी कौम अपने पैर पे खड़े हो और दूसरा हम एक आबरूमंदाना हैसियत से अक़वाम आलम में उभर के सामने आए। मेरे जहन में सवाल आता है कि जो आदमी पाकिस्तान में या इंडिया में बैठ के ट्रांसमिशन देख रहा हो उसके जहन में सवाल आएगा कि भाई मैं नॉर्थ अमेरिका में लगने वाले एक प्रोजेक्ट में क्यों फंड करूँ। ये बहुत उम्दा सवाल है अशर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो अफराद इस वक्त हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में बैठे हैं या जो इराक़ में, ईरान में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, जहाँ भी हैं, प्राइमरीली ये प्रोजेक्ट जो है एक बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट है क्योंकि इससे देखिए जब ये ज़मीन ली गई थी तो इसकी कीमत $2.5 मिलियन थी। आज की तारीख में इस ज़मीन की कीमत $4 मिलियन है और जिस रोज़ परमिट्स मिल जाएंगे इस पे उस दिन इसकी कीमत 9 से 11 मिलियन होगी। जैसे ही इंशाल्लाह ये कर्जा उतर जाता है विच इज़ 900,000 लेफ्ट जैसा पहले बताया गया, तो उसके बाद इस पे कंस्ट्रक्शन। मुझे इजाजत नहीं कॉल लेने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। आपका नाम जनाब? मैं डॉक्टर नौशाद जमाल बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब क्या फरमाना चाहेंगे? मैं वजी भाई को थोड़ा सा, बहरहाल मैं तो इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह ट्रांसपेरेंसी सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये जब इंटरसाइज कर रहे हो जो सर का सवाल भी आया है उसी में थोड़ा सा वो एलैबोरेट करें कि हम इसको ड्रीम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं और ये कमर्शियल प्लस आवाम की जो हमारी कम्युनिटी की जरूरत है उसको पूरा करेगा डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब टाइम बड़ा कम है, मैं आपका सवाल समझ गया। डॉक्टर वजी से पूछता हूँ और क्या आप इस प्रोजेक्ट के डोनर में हम आपको शुमार करें? नहीं, तो इसको हम जब डोनेशन जमा कर रहे हैं और एक जब हम कहते हैं कि हम इससे कमर्शियल भी करेंगे उसका थोड़ा सा क्लियर। जी मैं इनसे पूछता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट सेल्फ सफिशिएंट होगा और दूसरी तरफ हम डोनेशन भी मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए डोनेशन जो है वो अभी ज़मीन के लिए मांगा जा रहा है क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है जिसपे अभी तकरीबन 1.8 मिलियन का कर्जा था जिसमें हमने तकरीबन काफ़ी हद तक पूरा किया है, 900,000 अभी बाकी है, तो हम ये कर्जा उतारना चाह रहे हैं ताकि ये ज़मीन पूरी की पूरी IMI के नाम पे हो। और जब IMI के नाम पे ये पूरी ज़मीन हो जाएगी तो उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी IMI उसमें हिस्सेदार होगी बहुत हद तक। और इस सब की जो प्लानिंग है इंटरनेशनल हेल्थ इनिशिएटिव का बोर्ड, वज़ारत रिज़वी साहब और उनका जो बोर्ड है ये इस पे प्लानिंग कर रहा है। लेकिन चूंकि ये IMI 501c3 ऑर्गेनाइजेशन है और इस पे जो डोनेशन आता है उससे टैक्स बेनिफिट है लोगों के लिए, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये ज़मीन पूरी की पूरी IMI के नाम पे हो और उसके लिए ये डोनेशन लिया जा रहा है। जब इसका मार्केटिंग प्लान सामने आएगा और उसकी शराय डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर ये ज़मीन पूरी की पूरी IMI के नाम पे ना हुई तो हमारा एट द एंड ऑफ द डे उसमें प्रॉफिट शेयरिंग में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा विच वी डोंट वांट। बहुत लंबी ट्रांसमिशन हो गई और एक कॉल अगर मैं ले सकूंगा आपकी इजाजत से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? मैं कह रहा था कि मुझको अज़र ज़ैदी कहते हैं और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस वक्त इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप IMI से मुतालिक जो कर रहे हैं, इस दुआ के साथ जी मैं आज कर रहा था कि मुझको अज़र ज़ैदी कहते हैं, मैं आपको हमारे से मुतालिक इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ। जी आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए अपनी, आपको आवाज इको हो रही है, आप प्लीज बोलिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अल्लाह करे जोर बया और ज्यादा। आप अपने डोनर की लिस्ट में अगर हो सके तो कहीं कोने में हमारा भी नाम लिख के हमको चलें। बहुत शुक्रिया, हमारे वॉलंटियर साहब से रब्ता करेंगे, वक्त की बड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब आखिरी मिनट हमारे पास मौजूद है, ये बताइएगा कि 25 साल का सफ़र आपने 25 साल पहले ख्वाब देखा था, एक बेसमेंट से स्टार्ट हुआ, आज दुनिया के 55 ममालिक में पहुँच गया है और अब ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। 25 साल के सफ़र को कैसा देखते हैं? क्या एक नया ख्वाब तो आपने देखा, लेकिन जो पुराना ख्वाब आपने 25 साल पहले देखा था वो ख्वाब आज आपको कैसा लगता है? क्या आपको उसकी ताबीर नज़र आ रही है? देखिए, हमने इस ख्वाब की ताबीर को इमाम ज़माना अजल्ला ताला फरजो शरीफ और इमाम सादिक के सुपुर्द किया है। हमारा काम कोशिश करना है और कोशिश करना हम में से हर मोमिन की जिम्मेदारी है। ये ख्वाब एक ख्वाब दरख्शां है। मैं चाहता हूँ कि हम हमारे वो लोग जो अभी ख्वाब गफलत में शायद हों वो इससे बेदारी हासिल करें, क्योंकि ये काम जो है, ये वक्त जो है, ये दौर जो है, ये ठोस और अमली इकदाम का वक्त है। अगर आज हमने आगे बढ़कर कौम की खिदमत कर ली तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम बहैसियत मजमूई, बहैसियत कौम एक आबरूमंदाना जिंदगी गुजारने की राह हमवार पैदा करेंगे अपनी आने वाले नस्लों के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और आपकी टीम इस प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब हो जाएं। तो सिफा, हमने आज सारे लोगों से बात की, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, लॉट्स ऑफ पीपल केम इन, और बहुत सारे लोगों को हम उतना टाइम नहीं दे सके जितना आप देना चाहते थे, माजरत ख्वाएं। ये हमारी पहली कोशिश थी, तो अगर हमसे कोई कोताही हो गई हो तो हम आपसे माफ़ी तलब चाहेंगे। हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। आपके पास कोई सजेशंस हो वो भी हमें ज़रूर दीजिएगा हमारी वेबसाइट पर जाके। और शिफा, मुझे हमारी प्रोडक्शन टीम, फ़रोज़ सिद्दीकी साहब, आमिर साहब और दीगर वॉलंटियर्स हमारे साथ थे, हैदर टीवी और कायम टीवी के लोगों का बहुत शुक्रिया, इस्ना का बहुत शुक्रिया कि इन सब ने हमारे साथ दी। और आपको तो सिर्फ मुझे और शिफा को देखने, लेकिन पीछे हमारी पूरी टीम मौजूद है जो शब रोज़ इस टेलीथॉन को कामयाब करने में हमारे साथ थी। और जैसे मैंने कहा, ये हमारी पहली कोशिश थी, अगर कुछ खताएं रह गई तो हमें उनको दरगुजर कीजिएगा, हमें माफ़ भी कीजिएगा और हमारी रहनुमाई भी कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक और टेलीथॉन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।